नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलाणं च परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है अगुरु लघु सत्यम निवंद्य है सत्यम निश्चयवंद्य है तेत्रिस कोटि देवगण तेत्रिस कोटि देवगण विश्वहिताते स्वागतम विश्वहितार्थे स्वागतम जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम मंगलमय द्यो आशीषम सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल की माफी दो गलती भूल की माफी दो व्यवहारे सद्बुद्धि हो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद 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 जय सच्चिदानंद
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती न देखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो, भूल है तो सजा खुद भोगो, अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती देखो, छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया, छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया, और माना हमने अच्छा 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 किया, वहाँ मिल गई क्रोध को खुराकी, वहाँ मिल गई क्रोध को खुराकी, तन मन में ज्वाला दे सब अपनी भूल को देखो, सब अपनी भूल को देखो, अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी गलती चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया, चमचों ने सेठ को चढ़ा दिया, फिर अपना काम निकाल लिया, 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 है मान महाशत्रु खुद का, है मान महाशत्रु खुद का, तन धन का अपव्यय देखो, अपव्यय देखो, इस जग में संतों की तरह, इस जग में संतों की तरह, अपमान भी सहना सीखो, अपमान भी सहना सीखो, अनुभव
करता है हमको, अनुभव करता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, यह विश्व फंसा है माया में, यह विश्व फंसा है माया में, यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह शरीर भी अपना ही नहीं, यह विश्व फंसा है माया में, यह माया में, यह शरीर भी अपना ही नहीं, 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 मैं शरीर हुआ है जीव का अहम, मैं शरीर हुआ है जीव का अहम, रचता है जगत जीव देखो, रचता है जगत जीव देखो, हानि वृद्धि के द्वंद्वों की, हानि वृद्धि के द्वंद्वों की, झंझट से निकलना सीखो, झंझट से निकलना सीखो, दूसरों की गलती न देखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो, भूल है तो सजा खुद भोगो, कम बुद्धि वाले लोगों को, अपनी बुद्धि से फंसा दिया, 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 ऊपर से माना अच्छा किया, ऊपर से माना अच्छा किया, वहाँ लोभ की भीड़ गुंच देखो, वहाँ लोभ की भीड़ गुंच देखो, जहाँ करता पद का अशुद्ध पूरण, जहाँ करता पद का अशुद्ध पूरण, गलन में करम रज देखो, गलन में करम रज देखो, अनुभव कहता है हमको, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो, खुद अपनी देखो, दूसरों की गलती न देखो, दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो, 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 जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद,
जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। क्या कहते हैं कविराज जी पद में, अनुभव कहता है हमको खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती हमको किसकी गलती ज़्यादा दिखाई देती है, हाँ दूसरों की गलती ज़्यादा दिखाई देती है और अपनी गलती दिखती नहीं है। हाँ तो क्या करेंगे अभी, कविराज तो ये लिखते हैं कि भाई खुद अपनी गलती देखो दूसरों की गलती देखो नहीं, हमको दूसरों की गलती ज़्यादा दिखाई देती है। तो कविराज को बोलना पड़ेगा कि आप जरा लाइन चेंज करके भेजो। हाँ भूल है तो सजा खुद भोगो, फिर पहले मैं बोलते हैं ना, पूरे का पूरा जो पद है वो अपने मेन चार अंतर शत्रु बोलते हैं जिसको, क्रोध मान माया लोभ, कहाँ कहाँ कैसे क्रोध हो जाता है, उसका फल क्या है, मान क्या है, ये दिखते नहीं है लेकिन रहते हमारे शरीर के अंदर ही, दिखते नहीं है लेकिन रहते कहाँ पे है, हमारे घर के अंदर ही रहते हैं और हमको पूरा दिन उनके कहे के अनुसार ही चलते रहते हैं। हम लोग अपने खुद के कहे के अनुसार चलते नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया ना तो तुरंत ही क्रोध आ जाएगा, क्या होता है तुरंत ही क्रोध आ जाएगा। दादा भगवान क्या कहते थे, अगर जीव को एक ही बार क्रोध आएगा तो इसके अंदर करोड़ों जीवाणु की हत्या हो जाती है, मतलब मर जाते हैं एक ही बार क्रोध का, क्या बोलते हैं जीव को अगर एक ही बार क्रोध आए कितनी भी साधना करेंगे लेकिन एक बार क्रोध आ गया ना तो अंदर करोड़ों जीवाणु का हत्या हो जाती है, क्योंकि वो त्रस्त हो जाते हैं जीव, इतना सारा बॉडी के अंदर होता है तो करोड़ों जीव अंदर मृत्यु हो जाते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, हमको दिखाई देते नहीं, ये पूरा जो अपना शरीर है ना उनके अंदर बहुत सारे जीव से भरा हुआ है शरीर है अपना, वो अपने माइक्रोमीटर से देखेंगे, माइक्रो जो खून और वो सब टेस्ट करते हैं ना उनका सब दिखाई देता है, वो तो बहुत जीने, लेकिन ये ज्ञानी हमको नहीं दिखाई देगा, वो ज्ञानी पुरुष है तीर्थंकर भगवान उनको सब दिखाई देता है, क्योंकि तो हमारे अभी स्थूल में से अंदर दृष्टि गई नहीं है, तो कि ये जो क्रोध के कारण से बहुत सारे जीवाणु की हत्या हो जाती है और हम अपने पूरे जीवन में अगर देखेंगे ना तो छोटी छोटी बातों के अंदर क्रोध आ जाता है। क्रोध आने का क्या कारण है आपको क्या लगता है, कौन से वजह से हम ये जीव को क्रोध आता है, हम लोग ये गाड़ी लेके जाते हैं ना तो गाड़ी में कोई ऐसा स्कूटर वाला आगे निकल जाएगा ना तो तुरंत ही हमको क्या हो जाता है, इसको आता नहीं है, मतलब अंदर से थोड़ा वो हो जाता है, मतलब जहां जाता है वो सब जगह पे हमको क्रोध आता है, एक अपने सामान्य ऑब्जर्व करते हैं ना तो जहां जहां भी अपनी मर्जी का आपने किसी को कुछ किया होगा और उन्होंने नहीं किया होगा तो क्या हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा तुरंत ही। उसका बेसिक कारण मिनिमम एक कारण है कि जहां जहां भी अपनी मर्जी का काम नहीं होता है ना वहां ये जीव को अंदर क्रोध आ जाता है, तो हमें अंदर तपास करना चाहिए ये शरीर के अंदर कि ये अपना जो शरीर है वो तो अपनी मर्जी के अनुसार ही चलता होगा ना, बराबर ना, ये पूरा शरीर है तो ये शरीर अपने मर्जी के अनुसार चलेगा तो सामने वाला भी अपने मर्जी के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा, तो अपने ये शरीर का आपने ऑब्जर्व किया है कि अपने मर्जी से चलता है कि दूसरे की मर्जी से चलता है, ये शरीर अपनी मर्जी से चलता है कि अपने आप चलता रहता है, हमारी कितनी भी मर्जी होती है कि मेरे बाल सफेद नहीं हुए फिर भी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, अपनी मर्जी क्या रहती है कि 60 साल हो 70 साल हो लेकिन ये बाल हमारे सफेद होने चाहिए, नहीं वहाँ चलती हमारी मर्जी, वहाँ नहीं चलती, बराबर ने, हमारी मर्जी रहती है कि दांत है ना जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक ये दांत मेरे ऐसे के ऐसे रहना चाहिए, तो ऐसे रहते हैं रोज ब्रश करते हैं उसको संभालने के लिए, बाल में भी कितने सारे शैम्पू डालते हैं कितना सारा वो डालते हैं फिर भी वो अपना टाइम आता है ना तो अपनी मर्जी का चल वो नहीं चलता है,
ये अपने पूरे शरीर का अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये शरीर की एक भी क्रिया है, अगर हम कभी भी कैसा होता है कि जब ऐसा लगता है कभी जाके सो जावे तो नींद नहीं आती है, और बहुत सारा काम रहता है तो नींद आ जाती है, ऐसा होता है कि नहीं? मतलब आप ये शरीर का पूरा अपने ऑब्जर्व करेंगे ना, तो कहीं भी अपनी मर्जी से चलता नहीं है। तो अगर ये शरीर, हमारा शरीर अपनी मर्जी से नहीं चलता है, तो दूसरे सामने वाले अपनी मर्जी से चलेंगे नहीं चलेंगे, तो हम क्रोध वैसे ही व्यर्थ में करें। दादा भगवान क्या कहते हैं, वैसे ही अगर ये शरीर अपनी मर्जी से चलता है तो सामने वाला भी अपनी मर्जी से चलता। तो ये शरीर कैसे चलता है, इसके कारण बहुत सारे कारण है, क्योंकि ये शरीर जो है ना अपना, वो पूर्व कर्मों के हिसाब के अनुसार चलता है। कैसे चलता है, पूर्व कर्मों के हिसाब के अनुसार चलता है, वो जैसे जिसके साथ जो हिसाब है वो हिसाब ऋणानुबंध चलते रहते हैं और नए ऋणानुबंध बनते रहते हैं। एक का हिसाब खत्म हो गया, दूसरे का चालू रहता है, एक हिसाब खत्म होता है दूसरे का चालू रहता है, इसको भव परिभ्रमण करते हैं। क्या बोलते हैं दादा भगवान, भव परिभ्रमण। तो ये जीव अनंत काल से ऐसे परिभ्रमण करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। शास्त्रों में तो बहुत सारा बताया हुआ है कि जीव का कितने 84 लाख योनि में घूम कर फिर मनुष्य अवतार में आया, मनुष्य अवतार में आके भी कितने सारे भव ऐसे घूमते रहते, लेकिन कभी ये जीव की मुक्ति नहीं होती। क्या नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। क्यों मुक्ति नहीं होती होगी, मुक्ति क्यों नहीं होती होगी, कर्म के हिसाब बाकी है, वो तो बराबर कर्म के हिसाब बाकी है, लेकिन ये जीव को कभी ये सारी की सारी क्रिया है ना बंधन करता नहीं लगती। जब हमको ये क्रिया बंधन करता लगेगी ना, तो मुक्ति की शुरुआत हो जाएगी। मतलब हमको तो ये क्रिया में अभी और मजा आता है, बराबर चलो मैं करता, क्योंकि मोह के कारण, किसके कारण, मोह के, शरीर के प्रति मोह के कारण हमें शरीर की कोई भी क्रिया है ना हमें कभी भी बंधन करता नहीं लगती। और ज्ञानी पुरुष है तीर्थंकर भगवान को ये सारी की सारी क्रिया बंधन करता लगती है, उसको बोझा लगता है। क्या लगता है उसको, बोझा लगता है। और हमको अगर दादा भगवान क्या कहते हैं कि हमको अगर हमारे सत्संग करना भी होता है ना, तो भी हमको हमारे स्वरूप में से बाहर आके मतलब बातें करने लगते हैं, हमको बोझा स्वरूप लगता है। और हमको ये शरीर की कोई भी क्रिया कभी भी बोझा स्वरूप लगी, साला रोज स्नान करने का मजा, वो मोह के कारण, किसके कारण, ये शरीर के प्रति मोह के कारण। और मोह क्यों है, तो उसको यथार्थ रूप से हमने जाना नहीं है, इसको यथार्थ रूप से जाना नहीं है। जब तक हम यथार्थ रूप से जानेंगे तो उसके प्रति भी हमारा मोह धीरे धीरे कम होता जाएगा, बराबर ने। तो ज्ञानी पुरुष ने पूरा देख लिया था कि ये पूरे का पूरा शरीर है वो हमारे बस में नहीं है, और उसके पीछे ही हम पूरा जीवन उसको अच्छा करने में, मतलब उसकी केयर करने में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। और जिसकी केयर करनी होती है वो रह जाता है। मतलब किसकी केयर करनी चाहिए, जो हमारे साथ में आता है, हमारे जो शुद्धात्मा स्वपद है वो हमारे साथ में आता है। आप सभी ने ज्ञान लिया है कि बाकी है, लिया हुआ है ना, लिया हुआ ना, ज्ञान दीक्षा प्राप्त की हुआ है ना। हाँ, तो हमारा जो खुद का है, हमारा खुद का क्या है, तो जो शुद्धात्मा पद है वो हमारा कायम का पद है। कौन सा पद है, ये शरीर है, बराबर। ये शरीर की वैल्यू कब तक है, जब तक अंदर आत्मा है तब तक शरीर की वैल्यू है, और जब आत्मा निकल गया तो क्या होगा, फोन करना चालू हो जाएगा, भाई इसको निकालो अभी, ज्यादा पूरी रात भर रख सकते हैं नहीं, ऐसा बोलेंगे, अरे अभी तो 6 बजे है, अभी चल जाएगा, 1 घंटा है, निकाल सकते हैं हम लोग, वरना 7 बज गए तो फिर पूरी रात रखना पड़ेगा। तो और अगर जिंदा हुए आप तो उसको बोले आप बैठो आराम करो, ये करो वो करो, अभी रुक जाओ ऐसा बोलेंगे। और जैसे ही अंदर से भगवान निकल गए तो लोग क्या कहेंगे, उसको निकालो भैया निकालो, अब ये कुछ काम का नहीं है। तो कीमत किसकी है, शरीर की कीमत है तो नहीं, अंदर जो भगवान बैठे हैं ना उसकी कीमत है, लेकिन हम लोग कीमत किसकी करते हैं, शरीर की कीमत, और उसके ही देखभाल में पूरा जीवन निकाल देते हैं, और अंदर जो भगवान बैठे हैं उसकी भक्ति करते नहीं है। तो अभी हमको ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई है, आप लोगों ने ज्ञान लिया है ना, तो ज्ञान दृष्टि में पहले 2 दृष्टि दिया हुआ था, मालूम था ना, 2 आज्ञा दी हुई थी, पहली 2 आज्ञा कौन सी आज्ञा थी, याद है थोड़ा बहुत, नहीं याद है,
तो पहली आज्ञा क्या थी कि व्यवहार दृष्टि से मैं नहीं, मैं नाम, आपका नाम क्या है? हाँ, तो के व्यवहार दृष्टि से मैं पूजा हूँ, आपका नाम क्या है? सुनीता। तो के व्यवहार दृष्टि में सुनीता हूँ, और आपका नाम? राहुल। तो व्यवहार दृष्टि से मैं राहुल हूँ, वो पहली आज्ञा दी थी, बराबर। और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। ये बहुत ही भेद विज्ञान का प्रयोग, अपने कितनी सारी पुण्य इकट्ठी होती है तब ये हमको ये दो दृष्टि की प्राप्ति होती है, ये दो दृष्टि, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। उसको जो धर्म की भाषा में उसको समकित बोलते हैं, समकित दृष्टि। कौन सी दृष्टि? समकित दृष्टि। जो एक बार आ गई फिर वो कभी भी जाती नहीं है, समझ गए? और समकित हमको अगर प्राप्त हो गया तो ये भव परिभ्रमण में से हम मुक्त होना शुरू हो गए, मालूम पड़ा? एक भगवान महावीर भगवान के समय में एक बहुत बड़ा साधु था, वो तपस्या कर रहा था। क्या कर रहा था? तपस्या कर रहा था। तो वहां से आगे भगवान महावीर भगवान का वो संवत्सरण था, उनकी देशना शुरू होने वाली थी। ये साधु तपस्या कर रहे थे, तो वहां से गए तो दूसरे साधु जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप भगवान से पूछना कि मेरा मोक्ष कब होगा, इतना पूछ के आना। तो फिर वो लोग साधु गए और भगवान को बोला कि यहाँ ये साधु जो है वो तप कर रहे हैं, तो उनका मोक्ष कब होगा? तो वो है ना, आमड़ा नु झाड़ ने शू कहवाई? हाँ, उसके इमली इमली का झाड़ जो होता है आमड़ा के दे, उनके पत्ते ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक के अंदर आपने देखे होंगे। तो इमली के झाड़ के नीचे वो तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भगवान ये जो यहाँ साधु तपस्या कर रहा है उनका मोक्ष कब होगा? तो फिर भगवान तो क्या है, उनका सहज ज्ञान में दिखता है। तो उन्होंने बोला कि वो जो झाड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, वो झाड़ के जिनके पत्ते हैं ना, उतने भाव में उसका मोक्ष हो जाएगा। क्या बोले? ये झाड़ के जिसके पत्ते हैं उतने भाव में उसका मोक्ष हो जाएगा। तो फिर वो वापस आता है, वापस आके बोलते हैं कि भगवान ने आपके बारे में ऐसा बताया है कि झाड़ के जितने पत्ते हैं उतने भाव में आपका मोक्ष हो जाएगा। तो जैसे ही वो साधु सुनता है ना, तो एकदम नाचने लगता है। क्या लगता है? नाचने लगता है। बोले क्या हुआ, इतने सारे है? अरे भाई मेरा मोक्ष नक्की हो गया। क्या बोले? मेरा मोक्ष नक्की हो गया, भाई इतने पत्ते अभी इतना ही बाकी रहा। क्या हुआ? वरना ये मनुष्य होता, मतलब ये भव परिभ्रमण की इतनी भ्रमण, हम कितने सालों तक ये जीव परिभ्रमण करता ही रहते हैं, लेकिन कभी मुक्त होता नहीं है। वो साधु तब खुश हो गया कि भाई मेरा मोक्ष का तो सिक्का तो लग गया, इतने भव ही बाकी रहे ना, मतलब करोड़ों अब जो भव से उसमें से क्या आ गए, संक्षिप्त में आ गए। ठीक इसी तरह ये हमको जो ज्ञान दीक्षा प्राप्त हुई ना, तो अभी हमारा प्रयाण किस तरफ हो गया, तो मुक्ति की ओर। कहाँ हो गया? मुक्ति। मोक्ष यानी मृत्यु नहीं। हमारी समझ में क्या है कि मोक्ष यानी बस वो मोक्ष में चले गए, ऐसा हम किसी को बोलते हैं ना, तो हमारे फर्स्ट फोटो क्या होता है कि भाई ये फोटो फ्रेम में लग गए, ऐसे नहीं। मोक्ष यानी मृत्यु नहीं। दादा भगवान क्या कहते थे कि मोक्ष यानी मुक्ति। मोह का क्षय होना। किसका क्षय होना? मोह का क्षय होना, बराबर है। और दादा भगवान क्या कहते हैं कि भाई मोक्ष की शुरुआत यहां से ही होनी चाहिए, उसका अनुभव हमको यही देह में होना चाहिए, मुक्ति का अनुभव। तो अपने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना, वो उसका अनुभव हमको करवाता है। लेकिन ये जो आज्ञा दृष्टि है, दादा भगवान क्या कहते हैं, जो आज्ञा दृष्टि है, आप आज्ञा दृष्टि का जितना जितना उपयोग करोगे उसका स्वाद हमको आता जाएगा। तो बहुत कीमती चीज हुआ है, बराबर है। और कीमती चीज हम कहाँ पे रखते हैं? लॉकर में रखते हैं। तो ठीक उसी तरह आपने कीमती चीज है उसको कहाँ पे रख दिया है? लॉकर में नहीं, उसको यूज करने का है। इतना सारे मोबाइल लाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका स्वाद कब आएगा? जब हम यूज करेंगे। क्या करेंगे? जब यूज। तो ये दिया हुआ जो ज्ञान है उसका हम यूज करेंगे तो उसका हमको स्वाद आता जाएगा। तो पहली दो आज्ञा बताई थी, पहली आज्ञा के व्यवहार दृष्टि से मैं राहुल हूँ, और निश्चय दृष्टि से मैं क्या हूँ? शुद्धात्मा हूँ। ये दो आज्ञा बताई थी। ठीक उसी तरह ये दो आज्ञा का हम प्रयोग करेंगे ना पूरे दिन भर, जहाँ जहाँ भी हमको मिलते हैं। तो कभी व्यवहार दृष्टि से ये दिलीप भाई है, और निश्चय दृष्टि से क्या है? शुद्धात्मा। व्यवहार दृष्टि से हम कौन है?
आपका पुत्र है और निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्मा। इसी तरह ठीक सभी जीवों के अंदर हमको दोष दृष्टि का यूज करने का है। सबसे पहले यूज कहाँ करने का है कि भाई यहाँ पे कि भाई व्यवहार दृष्टि से मैं हसमुख हो और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। व्यवहार मतलब क्या है तो कि वो बदलता ही रहता है, टेम्पररी होता है। क्या होता है? टेम्पररी। ये अपना शरीर है वो परमानेंट है कि टेम्पररी है? टेम्पररी है। इसका जैसे ही आयुष कर्म का बंद पूरा हो जाएगा तो अपने आप वो खत्म हो जाएगा। तो व्यवहार दृष्टि मतलब टेम्पररी दृष्टि। ये शरीर को चलाने के लिए नाम दिया हुआ है। दरअसल मैं हूँ नहीं, ये नाम तो किसको चलाने के लिए दिया हुआ है? शरीर को चलाने के लिए दिया हुआ है ना। लेकिन हम लोग क्या मान जाते हैं कि भाई मैं ही राहुल हूँ। ये तो ज्ञानी पुरुष की कृपा हुई तो उन्होंने ये भेदांकन किया कि भाई शरीर अलग है और तुम ये जो परमानेंट वो शुद्धात्मा वो अलग है। तो हमको ये दो दृष्टि का प्रयोग करने का है कि भाई व्यवहार दृष्टि से मैं राहुल हूँ, निश्चय दृष्टि में शुद्धात्मा। इसी तरह आप कहीं भी बाहर भी जाओ, कहीं घूमने जाओ तो देखने का कि व्यवहार दृष्टि से हमारे मम्मी है, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है। व्यवहार दृष्टि से हमारे फादर है, निश्चय दृष्टि से ये शुद्धात्मा है। इसी तरह के दो दृष्टि का प्रयोग हमको करेंगे और दो दृष्टि का प्रयोग हम करेंगे ना तो उसका स्वाद हमको अनुभव होता जाएगा। बराबर। ये स्नान करने बैठते हैं तो कौन स्नान करने बैठता है? शरीर बैठता है कि शुद्धात्मा बैठता है? शरीर बैठता है। और हम बोलते क्या है? मैंने स्नान किया। तो तुरंत उसको बोलने का कि भाई मैंने स्नान नहीं किया, ये शरीर ने स्नान किया है। शुद्धात्मा तो कभी स्नान करने की जरूरत होती नहीं है। खाना कौन खाता है? कौन खाना खाता है? शरीर। शरीर नहीं, आपका नाम बोलने का। पूजा खाना खाती है और मैं उसको देखता हूँ। शुद्धात्मा को कभी भूख लगती नहीं, वो कायम के है। शुद्धात्मा कायम के, वो प्रकाश स्वरूप है। कैसे क्या है वो प्रकाश स्वरूप? उनकी हाजिरी में ये पूरा शरीर उसका वर्किंग करता ही रहता है। उसकी हाजिरी में जैसे लाइट है तो लाइट की हाजिरी में हम लोग सब काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसी तरह शुद्धात्मा क्या है? वो लाइट प्रकाश देता है। आप जो भी करना है उसका लाइट वो शुद्धात्मा देगा। बराबर। तो इसी तरह ये ज्ञान का प्रयोग हमको करने का है। ये पूरे दिन भर सोता कौन है? राहुल सोता है। उठता भी कौन है? राहुल उठता है। बराबर ना। इसी तरह ये शरीर सो रहा है, मैं सो रहा हूं नहीं हूं, उसका ज्ञान का प्रयोग आप करोगे ना तो कभी भी बोझा नहीं लगेगा। बराबर। दादा भगवान कहते थे एक के वो ट्रेन में जाते हैं ना, यहाँ से मदुरई से अहमदाबाद ट्रेन में जाते हैं तो लोग थक जाते हैं। क्यों थकते हैं? उसको लगता है कि मैं जा रहा हूँ। हकीकत में जा कौन रही है? ट्रेन जा रही है। आप तो ट्रेन में बैठे रहे हो, सो रहे हो, लेकिन आपकी मान्यता में क्या होता है? मैं जा रहा हूँ। उसके लिए पूरा 1800 किलोमीटर का उसका बोझा उनको लग जाता है, उसका थकान उसको महसूस होती है। बराबर ना। तो किसी भी क्रिया के अंदर जो क्रिया करने वाला भाग अलग है और उसको देखने वाला भाग अलग है। तो आपको ये दो दृष्टि का प्रयोग करने का है। भाई व्यवहार दृष्टि से हमारे जो भी रिलेटिव्स है और निश्चय दृष्टि से ये शुद्धात्मा, इनके अंदर मेरे जैसे ही शुद्धात्मा इनके अंदर विराजमान है। बराबर। ये दो दृष्टि का प्रयोग करेंगे ना तो सभी जीवों में आप भगवान का दर्शन कर पाओगे। अभी तो हम एक ही दृष्टि से देख रहे थे। अभी अब तक जब तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक हम एक ही दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई ये यही है। लेकिन अभी हमको ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमको मालूम पड़ा कि ये तो उनका शरीर का नाम है, इसके अंदर जो भगवान है वो अलग है। तो हम उसका भगवान का दर्शन करेंगे। बराबर। अब काम करने जाते हैं तो व्यवहार दृष्टि से सब वर्कर है, निश्चय दृष्टि से क्या है? शुद्धात्मा है। ऐसे रोड पर सब जाते हैं तो जानवर सब हमको मिलते हैं ना रास्ते में, तो उनके अंदर भी शुद्धात्मा है। हर एक जो जो मूवमेंट करता है, बराबर है, अलन चलन करता है, जिसको लागणी ने सुख भाई भावुकता लागणी होता है जो जीवों के अंदर, वो सभी के अंदर शुद्धात्मा रहते हैं। बराबर। तो हमको इसी तरह उसका अभ्यास करने का है। मालूम पड़ गई दो आज्ञा? कौन सी दो आज्ञा बताओ? हाँ नहीं, पूरा पूरा बताओ। व्यवहार दृष्टि से शुद्धात्मा हो, ये दो दृष्टि का प्रयोग। बराबर। ऐसे दो पंख बोलते हैं उसको, ये पंख होते हैं तो पूरे गगन में हम उड़ सकते हैं। दो दृष्टि का उपयोग कहीं भी आप करोगे तो किसी भी जीव के साथ आपको भेद नहीं होगा। बराबर है। आप बताओ व्यवहार दृष्टि से?
मैं राहुल और निश्चित दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। ये दो दृष्टि, दो आज्ञा, फिर तीसरी आज्ञा कौन सी दिया गया? नहीं, इनको ही बताने का, अभी तो ये लोग आगे बैठे हैं ना, तो फिर आ गए। तीसरी आज्ञा दिया था, कितनी आज्ञा दी थी? कुल 10 आज्ञा दी थी, 5 दिया था, बराबर है। तीसरी आज्ञा कौन दी थी? हाँ, तो क्या व्यवस्थित शक्ति करता है, कौन करता है? व्यवस्थित शक्ति करता है। तो अब तक हमको क्या मानते थे कि भाई मैं ही कर रहा हूँ, क्या मान्यता थी हमारी? मैं ही कर रहा हूँ। तो दादा भगवान एक उदाहरण देते थे कि जो भी लेडीज होती है घर के अंदर, उनको चाय बनाने के लिए बोलो तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते है? चाय आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? आप भी बना सकते हो ना, अपनी अपने हिसाब से बना सकते हो ना चाय, बराबर है। तो हमारी मान्यता में रहता है कि मैं चाय बना सकता हूँ, मैं बना सकती हूँ। तो बोले दादा भगवान बोलते तो अभी बनाओ आप, यहाँ बैठे बैठे तो बन सकती है चाय? हाँ, क्यों नहीं बन सकती? आप बना सकते हो तो कहीं भी बना सकते हो ना। अगर आप बनाने वाले होते तो कहीं भी बना सकते हो ना। हाँ, लेकिन एक चाय बनाने के लिए दादा भगवान कहते कितनी सारी सामग्री की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है, फिर चाय पत्ती, फिर शक्कर, फिर दूध, फिर चन्नी, फिर गैस बगैर बन जाएगी? गैस भी चाहिए, फिर और लाइटर चाहिए, और हाँ तपेली चाहिए, और स्पून चाहिए उसको लाने के लिए, और कप चाहिए उसको रखने के लिए, उसके नीचे प्लेट चाहिए, और हाँ आप भी एक एविडेंस, मतलब कितने चाय बनाने के लिए आप देखोगे कितने सारे एविडेंस की जरूरत पड़ती है, बराबर, कितने सारे एविडेंस की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही चाय यहाँ रखी और हमने किसी ने पूछा कि ये चाय किसने बनाई, तो इनमें से कौन बोलेगा? हाँ, क्या बोलेंगे? मैंने बनाई। हकीकत में क्या होता है कि कितने सारे एविडेंस इकट्ठे होकर एक चाय बनती है, लेकिन जो सारे संजोग के अनुसार जो काम होता है उसके हम कर्ता बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हम तो एक एविडेंस है, हम तो इन सारे एविडेंस में एक एविडेंस है, जो संजोग के अनुसार पुरावा, उनके एक पुरावा, इन सारे संजोगों के जो मिलते हैं उसमें से हम एकमात्र पुरावा, लेकिन ये हम ये पूरी चीज के कर्ता बन जाते हैं। हम बोलेंगे नहीं, हमने पूछा किसने बनाया, तो आप तुरंत मैंने बनाया, और जैसे हम बोलेंगे कि इसमें मजा नहीं आती है तो किसको असर होगी? जो उनके कर्ता बने उनको असर होगी, बाकी तपेली को असर होगी? उसको कुछ असर, बाकी किसी को भी जो उनका कर्ता बना है उनको भुगतना आएगा। हम बोलेंगे अच्छा बनाया है तो उसका भी भुगतान होता है, उसका आनंद रहता है। मतलब जो संजोग के अनुसार काम हो रहा है उसका हम कर्ता बन जाते हैं, बराबर है। तो दादा भगवान क्या बता देते कि ये पूरा जो सिस्टम है वो व्यवस्थित नाम की शक्ति चलाते है, कोई व्यक्ति नहीं चलाता है। क्या कौन चलाता है? व्यवस्थित नाम की शक्ति। और व्यवस्थित नाम की शक्ति है वो पूरे, अब हमारा जो ये इसका मन वचन का है, हम तो इससे अलग हो गए, बराबर, पूजा अलग हो गई और शुद्धात्मा अलग हो गए। तो अब ये पूजा वाला भाग है, जो राहुल वाला भाग है, वो उसका चलाएगा कौन? तो बोले उसका व्यवस्थित शक्ति चलाएंगे। कौन चलाएंगे? व्यवस्थित शक्ति। उनको ये राहुल को जो जो टाइम पे जो जो चीज की जरूरत होगी वो व्यवस्थित शक्ति उसको प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी? वो व्यवस्थित शक्ति उसको प्रोवाइड करेगी। आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दादा भगवान ऐसे बताते कि जिसको जो जो चीज की जब भी जरूरत पड़ेगी वो व्यवस्थित अपने हिसाब से वो भेजती जाएगी। तो हमारा काम क्या है? तो हमको उनको देखने का है कि आज व्यवस्थित ने क्या क्या हमको भेजा है, वो हमको देखने का है। नाश्ता करने बैठेंगे तो व्यवस्थित शक्ति अपने आप जैसे ही सुबह उठोगे ना, तो किसी को बोलोगे भी नहीं ना, तो भी जब टाइम होगा ना तो टाइम के अनुसार नाश्ता टेबल पर आ गया होगा। वो किसने भेजा? तो क्या व्यवस्थित शक्ति ने भेजा। किसने भेजा? व्यवस्थित। ये शरीर को जो भी चीज़ की जरूरत होती है वो व्यवस्थित शक्ति उनको सप्लाई करती रहती है। तो हमको ये देखने का है। दादा भगवान व्यवस्थित शक्ति का एक उदाहरण देते थे कि आप कहीं भी ऐसे होटल में कहीं खाना खाने गए
बराबर है, या घर के अंदर तो कांच का ग्लास होता है, बराबर है, कांच का ग्लास होता है तो कांच का ग्लास लाते लाते ऐसे गिर गया, बराबर, तब गिरता है तो हमारा प्रयत्न क्या रहता है कि उसको बचा ले बचा ले, जब तक लास्ट तक हमारा प्रयत्न रहता है, बराबर। तो ये कांच का ग्लास टूटा तो किसने तोड़ा ये ग्लास, किसने तोड़ा कांच का ग्लास, कि भाई आपको आपको दिखाई क्या देगा कि उन्होंने तोड़ा। अगर आप उनको पूछोगे कि तुम्हारी मर्जी थी तोड़ने की, तो बोले मेरी तो कोई मर्जी नहीं थी, ये तो पैर में ठेस लग गई और कांच का ग्लास टूट गया। तो टूटा क्यों, टूटा क्यों, तो दादा भगवान क्या कहते थे कि तो ये व्यवस्थित नाम की जो शक्ति है उनको सभी जीवों का चलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमारे हिंदुस्तान के लोग कैसे है कि अगर कोई कांच का ग्लास हो या महंगी चीज होती है ना तो कबाट में रख देते हैं, और जब मेहमान आते हैं ना तभी निकालते हैं, कब निकालते हैं, ऐसा क्यों होता है, मेहमान मेहमान आते हैं, देखा आप देखना कि मेहमान होते हैं ना उनको सब बढ़िया चीज देते हैं, आप कहीं भी देखो एक ऑब्जर्वेशन। तो दादा भगवान ने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम भी कुदरत के गेस्ट है, कौन है, कुदरत के गेस्ट, अगर हम भी कुदरत के गेस्ट के जैसे रहना सीख जाएंगे ना तो हमको भी सब बढ़िया चीज मिल जाएगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कर्ता बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, अगर हम घर के अंदर भी गेस्ट की तरह रहेंगे ना तो हमको सब चीज अच्छे में अच्छी मिलेगी, लेकिन हम क्या है उनका मालिक बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, गेस्ट को कभी मेहनत करनी पड़ती है, आप देखो कहीं भी जाओ ना तो कहीं भी घर के अंदर भी आप गेस्ट की तरह रहोगे ना, मालिक की तरह नहीं गेस्ट की तरह। गेस्ट का क्या होता है कि उनको बोले कि आप ये काम करो, ये रूम खाली करके सामने चले जाओ, तो गेस्ट क्या करता है वहां चले जाता है। अगर मालिक को बोलेंगे तो क्या, नहीं ये तो मेरा रूम है, आप कहीं एडजस्ट हो जाओ, बराबर है। तो गेस्ट को सब चीज अच्छी मिल जाती है, जो मालिक होता है ना उसको पूरी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो एक साइड ट्रैक था, बराबर। तो ठीक उसी तरह एक व्यवस्थित शक्ति को सबका चलाना का होता है। अगर आप एक ग्लास टूटे नहीं गया तो वो कारखाना वाला है, उसका डीलर है, उनका सबको कैसे चलेगा, वो पूरे का पूरा साइकिल रुक जाएगा, बराबर। ये व्यवस्थित शक्ति है ना वो सभी जीवों का चलाता ही रहता है, चलाता है, उनका काम ही है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये शक्ति ऐसे साइंटिफिक सर्कमस्टेंसेस एविडेंस इकट्ठे होते हैं और काम बनता ही रहता है। तो अब तक हमारी मान्यता में क्या था कि मैं कर रहा हूँ, मेरे से होता है, लेकिन अभी हमारी मान्यता एक ज्ञान दृष्टि मिलने से हुई कि भाई मैं कर रहा हूँ नहीं, व्यवस्थित शक्ति कर रहा है, और उनका भी ये जो है उनका चला कौन रहा है, तो कि व्यवस्थित शक्ति ही चला रही है, बराबर है। तो ये व्यवस्थित नाम की शक्ति है वो सबका ही चलाती रहती है। फिर चौथी आज्ञा दी थी, चौथी आज्ञा कौन सी दी थी, फाइलों का संभाव से निपटारा करना, उसका मतलब दूसरे का हिसाब जो फाइलों में लिखा रहता है, हाँ, इलेक्ट्रिक की फाइल होती है वो फाइल में, ऑफिस की फाइल, हाँ, फाइलों का संभाव से निपटारा करना, चौथी आज्ञा दी थी। पहली आज्ञा पहले से पूरा पूरा बोलने का, व्यवहार शुद्धात्मा, और तीसरी जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, चौथी आज्ञा फाइलों का संभाव से निपटारा करना। तो फाइल किसको बोलते हैं, सब फाइल ही है, बरोबर है। तो दादा भगवान क्या बोलते थे कि ये पूरे जो विश्व की कुल आबादी लगभग 8 अबज से ऊपर है, पूरे विश्व की जो आबादी है वो 8 अबज से ऊपर है, बरोबर है। लेकिन हमको किनसे ज़्यादातर काम रहता है, किनके कारण हम रुके हुए हैं संसार के अंदर, हमको किनके कारण भटकना पड़ता है, तो जिनके साथ हमारा हिसाब बाकी है। पूरे 8 अबज के साथ हमारा हिसाब नहीं है, हमारा हिसाब किसके पास है, तो कि ये जो नज़दीक वाले 5-50 लोग हैं
या कोई का बड़ा काम होगा तो 100-200 या उससे बड़ा तो 1000-2000, तो उनके कारण ही हमको ये भव परिभ्रमण करना ही रहता ही उनके कारण, तो वो सभी हमारे लिए क्या हो गया, तो क्या फाइल हो गई, क्या हो गई, फाइल हो गई। और सबसे जिसका हिसाब सबसे नज़दीक रहता है बराबर है, वही साथ साथ में रहते हैं, जो जो का हिसाब बहुत सारा क्लोज होता है ना वो एकदम साथ में रहता है, वो पूरे दिन भर साथ साथ में रहते हैं क्योंकि उसको निपटारा करने का है, बराबर है। तो फाइलों का संभव से निपटारा, तो हमारे सबसे करीब कौन है, हमारे सबसे करीब कौन है, आपके सबसे करीब कौन है, हाँ आपके सबसे करीब शरीर है, आपके शरीर है, ऐसा लगता है हमको कि हमारे सबसे करीब है, हाँ उसका अनुभव होगा धीरे धीरे, तो कि ये हमारे सबसे करीब हमारे ये शरीर है, कि कभी भी पूरे दिन भर कहीं भी आप जाओ तो ये साथ में रहता है। तो इसको फाइल नंबर 1 बोला, क्या बोला, फाइल नंबर 1 जो हमारे सबसे करीब है, और उसके करीब जो रहते हैं वो उनका फाइल नंबर 2 हो गए, और उनके सब बाकी ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे फाइल होते हैं। तो दादा भगवान कहिए इन सब फाइलों का संभव से निपटारा करने का, ऐसा हमको नक्की करने का है कि जब भी हमको मिलता है तो किस तरह से ये दो आज्ञा दृष्टि से हमको उनको देखे और उनके प्रति राग द्वेष नहीं हो, संभव रहे, क्या रहे, संभव, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। ज़्यादातर हम किसी भी ओर रहते हैं तो या तो राग हो जाता है या तो फिर द्वेष हो जाता है, लेकिन दादा भगवान क्या बोलते हैं, तो कि ये फाइलों का संभाव से निपटारा करेंगे तो हम धीरे धीरे करके ये संसार में से मुक्त होते जाएंगे, बराबर ना। तो इसके लिए दादा भगवान एक उदाहरण देते थे कि किस तरह से फाइलों का संभाव से निपटारा करते हैं और उसका व्यय भी नहीं होता है, ऐसा है। तो दादा भगवान एक सलिया का उदाहरण देते थे, आपने शायद सुना होगा, तो कि एक व्यापारी था, सलिया उसका नाम था, तो एक बड़े सेठ के वहाँ गया, बड़े सेठ के वहाँ गए सुबह के अंदर, सुबह सुबह, तो उन्होंने पूछा दरवाज़ा खटाया, अगर हमारे यहाँ कोई सुबह सुबह दरवाज़ा खटाएंगे तो हमको क्या होगा, कि भाई इतने सुबह कौन आ गया। तो सलिया जो व्यापारी था वो आ गया, बोले सुबह में क्यों आए तुम, तो बोले सेठ जी आपका थोड़ा पेमेंट बाकी है, क्या बोले, पेमेंट बाकी है, अगर सुबह सुबह में हमारे साथ कोई पेमेंट की उगरानी करे तो हमको क्या लगता है राहुल जी, हैं, किसी का फोन आए तो भी क्या क्या लगता है हमको, अच्छा नहीं लगता ना। आप ऐसा करो दोपहर बाद फोन करना मेरे को पेमेंट के लिए, और आपका पेमेंट कहीं जाएगा नहीं, बराबर है। लेकिन ये सेठ ने क्या बोला, कच्चा आप आओ बैठो और मुनिम को बुलाओ, मुनिम को बुलाया, बोले क्या प्रॉब्लम था, तो क्या बोले उन्होंने जो अपने पिछले फंक्शन में जो परचेस किया था शक्कर की बोरी, उसमें उन्होंने पर बोरी 200 रुपया ज़्यादा लगाया था, इसके लिए वो 1000 रुपया 5 बोरी के हिसाब से ये 1000 रुपया ज़्यादा मांग रहा है। तो बोले उसको बोला भाई ये 1000 रुपया तू क्यों ज़्यादा मांग रहा है, तो बोले साहब वो आपने जब ऑर्डर लिखाया था तब रेट अलग था, और उसके बाद आपने एक महीने बाद डिलीवरी ली तब रेट अलग था, मतलब वो रेट डिफरेंस का मैं पैसा मांग रहा हूँ। तो क्या बोले तो ऐसा कैसे देंगे, तो फिर दोनों के बीच में थोड़ी चर्चा होती है, फिर वो क्या करता है सेठ कि आप ऐसा करो हम लोग का आपके कायम के घर आ गए, आगे भी सीजन आने वाली है, बराबर है, आप 1000 की जगह आप 600 रुपये रख के काम निपटाओ। बोले कह नहीं 600 में नहीं चलेगा मेरा, तो एक काम करो आप 700 रुपये रखो और काम पूरा करो। तो वो भी समझदार था सलिया भी, ठीक है भाई उनका आगे काम आने वाला है तो हम सेटिंग कर लेते, तो 1000 रुपये की जगह उन्होंने कितना रुपया दिया, 700 रुपया दिया, और वो फिर चला गया सलिया। सेम पोजीशन उसके बाजू में कोई नेता था, बराबर है, तो उनके वहाँ उनको ऐसा ही प्रॉब्लम था, सेम टू सेम प्रॉब्लम, कि भाई रेट बढ़ गए थे और उसके कारण वो सुबह उघराणी करने गया, तो उघराणी करने के लिए गया तो बोला कि क्यों रेट क्यों बढ़ा दिया तूने, उससे गुस्से से बात किया, क्या बात किया, गुस्से से बात किया, और दोनों के उनको अहंकार भी ज़्यादा हो गया था कि भाई मैं ऐसा हूँ, मेरा इतना काम उसका रेगुलर रहता है, ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरा पूरा प्रेस्टीज है। तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करो 1000 मैं नहीं दूंगा, कोई पैसा भी आपको नहीं दूंगा। तो सलिया भी अड़ गया कि आपको तो सेठ देना तो पड़ेगा ही, तो फिर उन्होंने गुस्से में आके
उसको पैसा फेंका, क्या बोले, पैसा फेंका, ये ले जा तेरा पैसा। और वो भी व्यापारी आदमी था, तो ठीक है मैं ले जाता हूँ। तो हजार का हजार पूरा रुपया उसको दे दिया। मतलब समझने की बात क्या है कि दोनों के अंदर उन्होंने पैसे 300 रुपया कम दिए और नया हिसाब कैसा बांधा कि कभी उसको प्रॉब्लम नहीं। और उन्होंने 1000 रुपया पूरा दिया और नया वेयर का हिसाब बांध लिया। बराबर। तो दादा भवन क्या कहते हैं, तो हमको ये जो जो भी मिलते हैं वो फाइलों का संभव से निपटारा करने का है। जो घर के अंदर जो मिलते हैं, आजू बाजू सब मिलते हैं, कोई अच्छा भी नहीं लगता है, तो भी दादा भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि ये फाइल का संभव से निपटारा करो। तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर ऐसी वाणी हमारे ऐसी निकलेगी कि उसको कभी दुख होगा नहीं। तो चौथी आज्ञा फाइलों का संभव से निपटारा, ये चारों आज्ञा है। और पांचवी आज्ञा क्या दिया था, ये चार ही थी आज्ञा, पांच थी, ये तो अच्छा है। पांचवी क्या आज्ञा थी, तो कि शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा कर ली। किसके खाते में, शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा करनी। तो आपने खाता खुलवा दिया ICICI बैंक में शुद्धात्मा का, हाँ ज्ञान लिया तो खोलना तो पड़ेगा ही, आपने रकम जमा नहीं किया अभी तक, तो आपको अभी ज्यादा कितना टाइम हुआ ज्ञान लिए, 7 साल, तो कितना रुपया जमा आपको 7 साल, हर साल का आप महीने का 1000 रुपया कितना है दिलीप का, महीने का 1000 है ना आपने, एक महीने का 1000, तो 12000 और 7 साल का 84000 आपको जमा कराना पड़ेगा, 1,00,000 रुपया जितना जमाना कराना पड़ेगा, हाँ उसका ब्याज भी हो गया 7 साल का। शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा करनी पड़ेगी ना, 7 साल का 1,00,000 रुपये के हिसाब से आपको कब जमा कराओगे, अकाउंट कब खोलोगे, आधार कार्ड है शुद्धात्मा का, पान कार्ड। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि शुद्धात्मा के अभी हमारे जो बैंक में अकाउंट होता है वो किसका अकाउंट होता है, तो राहुल का अकाउंट होता है। किसका अकाउंट होता है, राहुल का अकाउंट होता है, पूजा का अकाउंट होता है बैंक के अंदर, बराबर ना। तो वो अकाउंट हम साथ में ले जा सकते हैं ऊपर, वो साथ में ले जा सकते नहीं है। और लेकिन कौन से रकम हम साथ में ले जा सकते हैं, तो क्या शुद्धात्मा के खाते में जो रकम जमा होगी वो हम साथ में ले जाएंगे। तो अभी हमको किसके खाते में जमा करनी चाहिए रकम, शुद्धात्मा के, जो भी पगार है ना आपका, वो पगार का पूरा ट्रांसफर दे के शुद्धात्मा के खाते में डाल देने का, क्या करने का, पगार की अमाउंट होती है ना, या जो भी आता है प्रॉफिट आता है नफे का बिजनेस का, वो कहाँ डाल देने का, शुद्धात्मा के खाते में। मुश्किल बात है नहीं, तो जो भी प्रॉफिट होता है ना वो सब पूरा शुद्धात्मा के खाते में ट्रांसफर होगा। अभी क्योंकि राहुल का खाता तो ऊपर आएगा नहीं, तो ये आएगा साथ में, तो ये भी नहीं आएगा, तो साथ में क्या आएगा। तो दादा भगवान क्या कहते थे कि जो आप आज्ञा दृष्टि का प्रयोग करेंगे ना, जितना जितना यूज करेंगे वो सारे का सारा शुद्धात्मा के खाते में जमा होगी, बराबर। फिर कीर्तन भक्ति है दादा भगवान का, सिंह जी कारो, फिर ये विधि की चौपड़ी बताई है, विधि की चौपड़ी है ना, वो विधि हमको अवश्य करने का, विधि जो चरण विधि है ना, वो चरण विधि अवश्य करने का है। अगर अब तक नहीं किया होगा तो अभी चालू कर देने का, क्योंकि शुद्धात्मा के खाते में हमको रकम, वो रकम हमारे साथ में आने वाली है, बराबर। त्रिमंत्र है, नमस्कार विधि है, नवकलम है, शुद्धात्मा की प्रार्थना है, फिर एक ज्ञान साक्षात पाने की विधि है ना, जो दादा भगवान को त्रिकार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वो विधि रोज बोलने की, मतलब वो पढ़ जाने का, क्या करने का है, पढ़ने का है। अगर आपको 10 मिनट धंधा करो और 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट होगा तो आप करोगे कि नहीं करोगे, हाँ 10 ही मिनट करने का है और 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो पहले क्या करोगे, आप ऑफिस जाओगे कि ये करोगे, आप क्या करोगे। तो ये 10 मिनट अगर ये विधि अगर हमने कर ली सिंसियर, तो 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो हमारे समझ में नहीं आने वाली ये बात। लेकिन अगर पैसों में हम तोले ना, तो 1,00,000 रुपये का फायदा है ये सिर्फ 5 या 10 मिनट की विधि बोलने से। ये हमारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको जैसा अनुभव होगा क्या होगा उसका, अगर आप एक भी टाइम विधि है, सब महात्माओं का अनुभव है कि नहीं दिलीप का, ये लोग कुछ करते नहीं है, सिर्फ विधि करते हैं बस,
सुबह शाम है ना विधि और आरती, वापिस भी नहीं जाते, मर्जी होते हैं तब जाते हैं। उनका अनुभव है सभी महात्माओं का। क्या बोलते हैं दिनेश भाई, ये लोग बस वैसे ही करते हैं। पुरुष के दिव्य विधि है ना तो देवी देवता होते हैं। हम लोग करते हैं ना, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में हम रहते हैं ना, तो देवी देवता इतना अजीब होते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे सोचोगे ना तो अपने आप वो सब सामने आ जाएगा। आपने कल्पना नहीं की होगी इतनी सारी चीजें आपके जीवन में आराम से, इतना आराम से चलता रहेगा जीवन बराबर, और आगे आगे मुक्ति के मार्ग पे आगे चलते जाएंगे हम। ये विधि करने से इतने सारा प्रॉफिट आप अनुभव करो। एक महीने तक विधि करो बराबर है, आपको तुरंत ही अनुभव होगा। मैं तो ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, फिर अपने आप, क्योंकि उसका स्वाद इतना आएगा ना कि उसको करे बगैर आप रह नहीं पाओगे बराबर। तो ये विधि जो आप करोगे ना वो भी शुद्धात्मा के खाते में जमा होती है बराबर। कीर्तन भक्ति है या सत्संग होता है तो सत्संग में आने का हमको नक्की रखने का, क्या रखने का कि भाई मैं जहाँ भी सत्संग हो मैं जाऊँगा। फिर संजोग जो आते हैं, लेकिन हमारा नक्कीपना होना चाहिए कि भाई मैं जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ मैं जाऊँगा। हम तो नक्की नहीं करते, हमारे घर आएंगे तो हम सत्संग सुनेंगे, दूसरे के घर हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। जहाँ भी सत्संग होता है, क्योंकि ये मनुष्य अवतार में आके ये दादा मतलब ज्ञानी पुरुष की वाणी सुनना ना वो बहुत 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 दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये सत्संग की बात आपको लगता है कि एकदम इजी है, क्योंकि ये मुक्ति की बात है, सुनने को भी मिलती नहीं। तो आपको नक्की रखने का, अगर जहाँ भी सत्संग होता है ना तो हम लोग जाएंगे, ऐसा नक्की रखने का, क्योंकि यही हमारे साथ में आने वाले है, बाकी कुछ आने वाला नहीं है। हमारे साथ में जो आने वाला है उसके ही हम भजना करना चाहिए ना, कि दूसरों की भजना करना चाहिए। साथ में आने वाला तो हम पूरे हम जीवन देखेंगे ना, तो जो साथ में नहीं आने वाला है ना उसके पीछे ही लगे रहते हैं बराबर ना। तो हमको अभी क्या करने का है, तो जहाँ भी सत्संग होता है ना हमको नक्की कर रखने का कि भाई जहाँ भी सत्संग है, ऐसे नहीं कि हमारे घर आए तभी हम लोग बैठेंगे, जहाँ भी है वहाँ जाएंगे बराबर। ऐसे नक्की करेंगे तो उसका संजोग मिलता जाएगा। क्या मिलता जाएगा, अगर आप नहीं आ पाओगे ना तो भी वो आपके शुद्धात्मा के खाते में जमा हो जाएगा, क्योंकि आपने नक्की किया है। क्या किया है, नक्की किया है। पर सत्संग में आपको मतलब कंटाड़ा वाला सो क्या है, बोर, हाँ अगर बोर हो जाते हो ना तो बाजू के रूम में जाके बैठ जाने का, लेकिन जहाँ सत्संग है ना वहाँ जाने का, आके सो भी सकते हो आप लेकिन यहाँ आने का। हाँ ये माता जी आए थे कल, ऐसा ही मतलब इसका जो वातावरण है ना, ये वातावरण क्या इफेक्ट है। हाँ बस ये एटमोसफियर है ना, वातावरण की असर होती है। जैसे जैसे आप होटल में जाओगे तो उसका कैसा अनुभव रहता है, और आप मंदिर में जाओगे तो कैसा अनुभव रहता है। तो ये वातावरण एटमोसफियर का असर है, वो आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आके बैठने का नहीं हुआ तो बाजू के रूम में जाके बैठने का, इनसे मिलने का, बस बहुत हो गया। दादा भगवान क्या कहते थे कि आप किसी भी तरह सत्संग में आप आओ, सत्संग से जुड़े रहो बस। तो हमको पहले में पहले नक्की करना है कि जहाँ भी रहे सत्संग बराबर है तो वहाँ हम लोग जाएंगे, चाहे दो घंटे या लास्ट दस मिनट भी आ सकते हो बराबर। लास्ट दस मिनट भी आओगे ना तो भी आपका चार्जिंग होता जाएगा, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमको हमारे स्वरूप का अनुभव करवाता है। क्या करता है, अनुभव करवाता है। वो एक ऐसा बराबर होगा कि नहीं होगा, आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते राहुल जी बराबर। बस आपको नक्की रखने का, मेरे दादा भगवान मेरे को निरंतर सत्संग का लाभ मिले ऐसे आप हमको शक्ति दो, बस ऐसा नक्की करो तो अपने आप मिलता जाएगा, और इतना स्मूथली जीवन जाएगा ना तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सारे महात्माओं का अनुभव है, हमारा नहीं है। यहाँ तो तीन चार तो यहाँ ही बैठे हैं सब, उनका ये जब पृथ्वीराज जी है, आपका अनुभव है कि नहीं, आराम से लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहती है ना। अपने आप किसी भी संजोग के अंदर हमको कोई टेंशन नहीं होगा, लक्ष्मी जी आएगा तो भी टेंशन नहीं होगा, जाएगा तो भी टेंशन नहीं होगा, पर इतना स्मूथली व्यवहार हो जाएगा हमारा। ये ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है, किसकी आज्ञा है, ज्ञानी पुरुष, और ज्ञानी पुरुष के ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा रहती है, सभी देवी देवताओं की कृपा रहती है। तो अगर आप उनके आज्ञा में रहोगे ना तो सभी देवी देवता आपका रक्षण करेंगे बरोबर। अब आगे आपको कुछ भी प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न तो हर एक को रहता ही है, रहता है कि नहीं रहता है, ये क्या हो रहा है, ये लोग इतने साल से जा रहे हैं फिर भी उस पर कुछ फर्क पड़ा नहीं है, ये हमको ये देखते हैं ये देखते हैं, वो सब रहता ही है प्रश्न अंदर। तो जो भी आपको प्रश्न है ना वो अभी आप पूछना है, दीपक आनंद जी बात करेंगे आपसे और जो भी प्रश्न है, ऐसे हम लोग घर में बैठे हैं ना इसी तरह जैसे घर में बातचीत करते हैं ऐसे ही आपको पूछने का है, क्योंकि ये पूरा मार्ग हमारा ना प्रश्नोत्तरी का मार्ग है,
आप जो पूछोगे ना उनका आपको अच्छी तरह से समाधान मिलेगा। बराबर, चलो जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ऐसा है, भगवान के दर्शन कब करने चाहिए? भगवान के दर्शन करने जाते हो तो मूर्ति पूजक है ना, श्वेतांबर मूर्ति पूजक है ना आप लोग? तेरा पंथी तो बराबर है। तो फिर महाराज साहब के दर्शन करने जाते हो, आखिर में पिछले बार कब गए थे? पिछले बार कब गए थे? और दर्शन क्यों करना चाहिए, वो भी बात तो है ना। दर्शन करने का मतलब क्या? तो ये सब प्रश्न जब हमें पूरा समाधान होता है ना, तो फिर हम स्वस्थ रहते हैं। जिनको देखते हैं, जिनका दर्शन करते हैं, उनके जैसे हो जाते हैं, ये नियम है। इसीलिए हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं या साधु महाराज के दर्शन करने जाते हैं। बोलिए, आप कुछ पूछिए तो अच्छा रहेगा। प्रश्न तो सबको बहुत होते हैं। और फिर अभी तो ये बहुत उम्र कम है ना, अभी क्या घर घर गृहस्थी संभालो, साधु के पीछे जाएंगे तो वो पापा मम्मी पर छोड़ देने का, सास ससुर को छोड़ देने का। आप लोग वो सब करो, हमारा टाइम आएगा तब हम करेंगे। पुजारी क्या सोचते हैं? बोलिए। अच्छा, ये मुझे देख नहीं पा रहे। अच्छा ठीक है, चलो बोलिए राहुल जी। हाँ दो मेरे बड़े कौन हैं? अच्छा आप जेठानी हैं, आप देवरानी हैं। बोलिए। जीवन का हेतु क्या है? जीवन का हेतु क्या है? आज नहीं आई। लेकिन आप लोगों के चेहरे पे से ऐसा लगता है कि आपको कोई तकलीफ तो है नहीं, शांति है, अच्छी बात है। लेकिन जब शांति होती ना, तो परम शांति के लिए खोज करनी चाहिए, वरना शांति के लिए खोज करते, परेशान होते तो बोले शांति चाहिए, शांति चाहिए। बोलिए राहुल जी, आप बोलिए। वो मम्मी को कभी पूछते हैं आप? मम्मी को कभी, यानी मम्मी जी को कभी पूछते हो? ऐसे ही आप ये सत्संग में जाके इतना धक्का क्यों खाते हो? हाँ अब जाओ। कर लेंगे।
इंग्लिश में कहावत है कैट इज अवे माय सेल प्ले, ऐसा नहीं तो घर में बाहर रहता है। बोलिए ना, कुछ प्रश्न तो होने ही चाहिए। हाँ पुस्तक पूछो क्या बोले वो राजस्थानी में समझ में। क्या सोचते हो, एक उदाहरण दो। सोचा हो तो सबके प्रति, लाइक जैसे पियर का हो, घर का हो, बच्चों का हो, कि भाई उनको कैसे हेल्प कर सकूँ। कोई अगर उनकी दुख है तो उनकी स्थिति में मैं कैसे काम आऊँ, उनको कैसे मैं हेल्प करूँ। वो तो अच्छा है। वो परिस्थिति में ऐसे लगता है कभी कभी उनको हेल्प करते करते मैं कभी ऐसे लग जाता है कि मैं डाउनवर्ड जा रही हूँ, वैसे मतलब कंफ्यूज भी हो जाती हूँ काफ़ी चीज़ों को लेके। और एक नियम रखने का, तो मैं कर सकता हूँ वो मुझे करना चाहिए, फिर मैं जानता हूँ कि मुझे ये करना है लेकिन मैं जानता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कर सकते हैं, तो उनसे करवाने का। फिर बताते थे कि ये नहीं कर सकते, मैं भी नहीं, ये कर सकते हैं, तो उनको बोलने का। दादा क्या करते थे, कहता कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास जो लोग सब करने वाले हैं ना, वो सबके साथ मेरा अच्छा संबंध है। आपने कहा कि मुझे लक्ष्मी जी की तकलीफ पड़ गई, तो बोले हम लक्ष्मी जी को फ़ोन करके बता देते कि इनके ऊपर थोड़ी कृपा कर देना, ये बात है। मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसा किसी ने कहा कि सेहत की बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। वैसे क्या ऐसे किसी से हेल्प भी इजीली मांगनी, मैं सोचती हूँ कि 10 बार कि कैसे मांगू, कोई बुरा मान जाएगा कि खुद कर सकती तो क्यों मैं ऐसे करवा रही है। अच्छा देखो, मतलब मैं सोच बहुत चलती रहती है ऐसे माइंड में। बात सही है, लेकिन जब आपके संबंध ऐसे होते हैं ना, तो रात को 2 बजे भी आप उनको फोन करके बता सकते हैं कि ये परेशानी है उनको, तो क्या किया जाए। तो मैंने एक बार किया हुआ, अभी मेरी मम्मी को रात को एक बार किया। तो भाई मम्मी मन इतना चंचल है, क्या करूँ मैं इस स्थिति में ऐसा। लेकिन वो मम्मी के पास सोल्यूशन नहीं है ना, फिर आपकी बात सुन के वो परेशान हो जाएंगे। ऐसा है, इसीलिए शेयर भी नहीं कर पाती हूँ कि बोलूँ भी नहीं बोलूँ। इसीलिए जैसे अभी परिस्थिति, जैसे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो किसी को कुछ बोलने के लिए भी मैं बस 10 बार सोच रही हूँ मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, सामने से कैसे हेल्प करूँ। ऐसा है ना, देखिए ऐसा है ना, जब हम परेशान होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 फोन करेंगे ना, जवाब मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, अरे आप परेशान हो तो फ़ोन करना ही चाहिए। वो सामने वाले परेशान होते ऐसा लगा तो सॉरी सॉरी बंद कर देने का। हमें क्या समझना है, देखिए ये जो व्यवस्थित का ज्ञान हमें मिला है ना, वो क्या बोलता है कि आपके काम के लिए कोई निमित्त है। आपका जो भी काम है ना, उसके लिए ये विश्व में, प्रकृति में आपके निमित्त है, हाजिर ही है, लेकिन आपका संदेश वहाँ पहुँच नहीं रहा है। आपका संदेश पहुँच नहीं रहा, मैं ऐसा ही मानता हूँ कि दिलीप भाई को इसका जवाब देना चाहिए। तो हाथ ऊँचा कर देते नहीं है, तलकी भाई को भी होना चाहिए। हर जगह पे हर लोग निमित्त नहीं होते, ख्याल में आया। और जब तक वो निमित्त आपको मिलते नहीं है ना, उतना आपका भुगतान है। समस्या है, प्रश्न है, उसका जवाब नहीं मिलने के जितना टाइम लगता है ना, क्योंकि उतने समय तक आप परेशान रहेंगे। समझ में आया। और जैसे उसकी दवाई मिल जाती है, समाधान हो जाता है, तो वो दर्द चले गया। तो ये जो समय होता है ना, चाहिए और जब तक मिलता नहीं है, उतने समय तक आपको जो भुगतान आता है, वो किसका भुगतान है, शुद्धात्मा का भुगतान है कि पूजा का भुगतान है, बराबर है। तो वो समझ लेना है, ये भुगतान क्यों आया,
ये पूजा का भुगतान, यानी पूजा ने कहीं कहीं किसी ने प्रकार की गलती की है, यानी किसी के जीवन में रुकावट डाली है, तो मेरे जीवन में रुकावट आती है, ये नियम है। लेकिन आपने आपने कब रुकावट डाली, आपने कब रुकावट डाली? पूजा की रुकावट आपकी रुकावट है, पूजा की रुकावट आपकी रुकावट, यानी आपकी यानी किसकी? सुधर्मा की तो रुकावट नहीं है, लेकिन ये पूजा की रुकावट है, वो ये जन्म की है कि पहले के जन्म की है? बराबर है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं यानी कौन? हाँ, पूजा जिम्मेदार है, हकीकत में पूजा भी जिम्मेदार नहीं है। बक्के से बताता हूँ, कर्म बनता है कैसे? अच्छा, पहले पूजा कर्म का परिणाम है, सुनीता ना, सुनीता, सुनीता कर्म का परिणाम है, राहुल कर्म का परिणाम है। कर्म का परिणाम यानी किसने कर्म किया था उसका ये परिणाम है, तो वो आपने किया था, परिणाम परिणाम है, वो करने वाले थोड़ी होते हैं। जिसने पहले आगे के जन्म में अज्ञानता से जो कर्म बांधा था, वो तो कर्म बांध के मर गए, समझ में आया? अहंकार का जन्म होता है, अहंकार की का मरण होता है, तो वो जो अहंकार पिछले जन्म में था, उन्होंने पूजा को जन्म दिया। लेकिन अब पूजा आपके पास है और आप परेशान हो कि ऐसा क्यों होता है, समझ में आया? वो अंतराय या बाधाएं आपकी नहीं है, वो जिन्होंने पूजा को बनाया ना, समाधान करना है। जैसे कि आपके बच्चे हैं, कितने हैं? दो बच्चे। वो लगता है ये आपके बच्चे हैं, लेकिन मूल में उनको जिसने कर्म बांधा था उनके बच्चे हैं। आपने तो उनको ये दुनिया में लाने के लिए निमित्त ही बने, आपको लगता है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे तो ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं? आपकी जैसी इच्छा होती वैसी उनको करना चाहिए, वो तो नियम है ना। लेकिन वो आगे से वो लेके आए हैं, इसलिए अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है। हकीकत यह है कि वो जिन्होंने पहले कर्म बांधा था उनके बच्चे हैं, ये तो समझ में आया ना? तो बोलते नहीं है ना आप? देखो बोलिए, तो आत्मा ने कर्म बांधा, वो आत्मा ने कर्म बांधा, नहीं आत्मा कर्म नहीं बांधता है, वो अहंकार खड़ा होता है, वो कर्म बांधता है। हाँ, फिर तो वो आत्मा से उसे क्या लेना देना? अच्छा, तो वो आत्मा की, देखो एक मैं बताता मैं यहाँ हाजिर हूँ, इन्होंने कुछ गलती की, मेरी जिम्मेदारी? मैं यहाँ हाजिर हूँ, इन्होंने कुछ किया, मेरी जिम्मेदारी की इनकी जिम्मेदारी? फिर आत्मा की कैसे? यहाँ आत्मा तो सिर्फ उपस्थित होते हैं, हाजिर है, उनकी उपस्थिति होती है, लेकिन जिन्होंने किया, वो जो अहंकार ने किया, वो बच्चे आपको हुए। तो वो ये अहंकार, मतलब जो ये करता है अहंकार, वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है उस चीज की, वो क्यों करता है? अच्छा, कैसे? वो आपका नाम है नेहा है ना, अभी याद आया। चलो, आप का जन्म हुआ, सब लोग आएंगे ना घर पर, बिटिया रानी आई है आपके घर में, बिटिया रानी आई है तो लोग देखने आते हैं, खिलाने को आते हैं, अरे क्या नाम रखा है, क्या कहेंगे लोग? नेहा रखा है। अच्छा, नेहा रखा है, तो आके क्या करेंगे? आपके पास आके बोलेंगे ना, बुलाएंगे, नेहा नेहा, आपको क्या मालूम मेरा नाम है नेहा? आपको तो कुछ मालूम नहीं, आप तो
नेहा 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 प्रतिध्वनि कैसे, ये तो ध्वनि है, प्रतिध्वनि कैसे होगी, प्रतिध्वनि तो ये ध्वनि रिफ्लेक्शन आएगा, ये ध्वनि जो गई ना फिर उनकी वो प्रतिध्वनि आएगी, समझ में आया। पूजा 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 करके कहा ठीक है, तो वो तो उन्होंने तो आके चले गए, फिर आपके अंदर वो प्रतिध्वनि चलती रहेगी, पूजा नेहा नेहा नेहा। फिर अगर किसी ने बोला दिया तो आप बड़े भी होते हैं ना, वही के वहीं थोड़ी रहते हैं, जैसे समय जाता है। फिर अगर किसी ने नेहा करके बुलाया तो यहाँ से नेहा करके बुलाया, ऊपर से नेहा करके बुलाया, आगे से बुलाया, आपकी नज़र जाती है, ठीक तो नहीं है, अनुभव नहीं करते, जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ बच्चा वो आके फिराता है। उस तरह से जैसे बड़े होते जाते हैं सब लोग, अड़ोस पड़ोस में सब ऐसे अज्ञानी लोग हैं, मैं तेरी मम्मी हूँ, ये आपके पापा है, वो दादी सा है, वो दादू है, समझ में आया। तो उनको ये अंदर हो गया, मैं नेहा हूँ, मैं पूजा हूँ, मैं राहुल हूँ, मैं सुनीता हूँ। अभी वो अज्ञान मिल गई, मिल गया आपको। अभी उस अज्ञान से आपने जो भी बांधा, अने पहले का आज की बात नहीं करते, अभी आगे की बात करते हैं कि वो सुमति बहन ने जो कुछ अपनी अज्ञान मान्यता में जो भी कुछ किया, यानी कर्म बांधे अज्ञानता से, वो तो मर गए, पता है, वो शरीर भी गया और मैं सुमति हूँ वो भी गए। क्या छोड़ के गए? नेहा को छोड़ के गए, पूजा को छोड़ के गए, सुमति को छोड़ के, सुनीता को छोड़ के गए, वो बच्चों को छोड़ के गए, बच्चों को छोड़ के गए। लेकिन बच्चे का जन्म आपसे हुआ, हम लोग तो मेरा बच्चा है। अभी आप हकीकत में समझो कि उन्होंने जो पहले थे, उन्होंने कर्म से जो जन्म दिया था, कर्म बांधे थे, आपके माध्यम से वो यहाँ आए, समझ में आए, तो वो आपके बच्चे नहीं है, डरना नहीं। हकीकत आप ही आपके बच्चे नहीं हैं, तो फिर आपके बच्चे के बच्चे वो आपके कैसे हो सकते हैं, समझ में आया। अभी ये परिस्थिति है, जगत की मान्यता क्या है, आप नेहा बहन हो, पूजा बहन हो, सुनीता जी हो, राहुल जी हो, हम लोग नहीं, नहीं मैंने नहीं किया, वो हम नहीं जानते, आप पूजा हो। जो कर्म सुमति बहन ने बांधे थे उसका आरोप आपके ऊपर आता है, और आप भी ऐसा बोलते हैं, मेरे कर्म मेरे कर्म मेरे कर्म, समझ में आया, समझ में आया। अभी आपको ज्ञान हो गया, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, यानी पूजा से अलग, मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, ठीक है, ये तो ठीक है ना। अभी पूजा जी जो भी है, सुनीता जी जो भी है, राहुल जी जो भी है, नेहा जी जो भी है, अब वो आपके रहे नहीं, वो आपने समझ लिया, लेकिन दुनिया यही जानती है कि आप पूजा जी हो, नेहा जी हो, सुनीता जी हो, राहुल जी हो, समझ में आया। आप ऐसा बोल नहीं सकते, मैं तो मन वचन काय से मुक्त ऐसा भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, वो हम नहीं जानते, ऐसा ऐसा कह के बात को टालो मत। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूजा जी को ठीक करो, जिस तरह से आपके बच्चे हैं, अगर आप उनके ध्यान नहीं रखेंगे और बिगड़ते हैं तो लोग क्या बोलते, माता पिता गया नहीं इसका, ऐसा बोलते ना, बोलते ये रहे, क्या आपने ध्यान भी नहीं रखा, ख्याल में आया। वो जो भी है अगर वो अच्छा करते, उसी तरह से महावीर भगवान ने वर्धमान स्वामी को ठीक किया, महावीर भगवान ने वर्धमान स्वामी को ठीक किया, नॉर्मल किया, परफेक्ट किया, समझ में आया। वो भी पुद्गली था ना उनका, वर्धमान स्वामी का पुद्गल नहीं था, वो पुद्गली था, लेकिन वो पुद्गल परम पवित्र हुआ, तो उनके दिखाई नहीं देते, समझ में आया।
इसीलिए भी आपकी जिम्मेदारी बन गई, इसीलिए आपको आज्ञा दी गई है कि भी वो आज्ञा से पुजारी का व्यवहार ठीक करो, समझ में आया। और ये आज्ञा का उपयोग जितना जैसा करते जाओगे आपको पुजारी की सभी गलतियां दिखाई देगी। पहले जो बाहर लोग भी देख सकते हैं ना वो दिखाई देगा, यानी बाहर का आचरण वाला भाग वो थोड़ा गलती वाला है, पूजा का आचरण वाला यानी चुनिता का, राहुल का, न्याय जी का, बाहर समझे ना, उसे स्थूल दोष बोलते हैं। स्थूल फिजिकल दोष है, मन बुरा चलता था किसी के लिए लेकिन बोले नहीं, बोले नहीं। फिर एक दिन लगा कि घर में कोई नहीं है और फोन पर बात कर रहे थे और बातें करते रहे करते रहे करते, थोड़ी देर के बाद पता चला कि मम्मी जी पीछे ही है। क्या होगा, क्या होगा, अरे गलती हो गई, अरे गलती हो गई। अरे अब तक गलती अंदर चलती ही थी लेकिन वो बाहर आई और किसी ने सुना तो आपको पता चला कि मेरी गलती हो गई, यानी वाणी के दोष, वाणी के दोष। फिर मन के दोष, उसको सूक्ष्म बोलते हैं, मन के दोष। मन का दोष यानी क्या है, ये जेठानी ने कुछ कहा, मम्मी जी ने कुछ कहा, पापा ने कुछ कहा, किसी ने भी कुछ भी कहा या कुछ भी, उससे आप सहमत नहीं हो, समझ में आया। तो जो आपकी मान्यता के विरुद्ध होता है ना तो चेहरे पर वो अंकित हो जाता है, तो बोलेंगे क्या हो गया, कुछ नहीं अभी सब ठीक है। अरे तो फिर चेहरा क्यों उतर गया, अरे तुम जाओ यहाँ से, समझ में आया। तो वो सूक्ष्म दोष है, यानी हमारा मन किसी और के साथ सहमत नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, सही है गलत है वो अलग बात है, सहमत होना चाहिए। आप जानते हो कि ये सही नहीं है तो आप उनको समझाने की कोशिश करो, दिल से समझाने की कोशिश करो, सभी प्रयत्न करो, फिर भी वो मानते नहीं है, फिर भी वो मानते नहीं है। जैसे कि आपके बच्चों को आपने समझाया, बहुत समझाया, फिर भी वो मानते नहीं है, तो उनकी जो बुराई है उसका दोष आपके ऊपर आएगा ना, कि मम्मी क्या ध्यान रखती है, आप बोलते अरे सुनते नहीं तो मैं क्या करूँ, लेकिन आपके ऊपर उसका आरोप आता है ना, वो आपके कर्म का भुगतान है। समझ में आया, समझ में आया। तो दूसरे के साथ, मन के साथ आप सहमत होते हैं लेकिन वो सही नहीं है तो उनको समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो पकड़ के रखते हैं कि नहीं यही करना है, यही सही है। तो उसके कारण जो गलत है, उसके कारण जो परिणाम आएंगे तो उसके आप भी सहभागी हो जाते हैं। फिर ऐसा कहते हैं मैंने तो कहा था तब तक, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं, लेकिन जो तो हुआ ना, उनके क्या बोले न मानने के कारण वो चीटे आप पर भी उड़े, समझ में आया। वो आपके कर्म का फल है, सीधा नहीं है लेकिन इस तरह से है। फिर आपने जाना ये सब व्यवस्थित है, व्यवस्थित का मतलब क्या, सही की गलत, व्यवस्थित का मतलब सही की गलत, सही जो भी हुआ, जब भी हुआ, जैसा भी हुआ वो व्यवस्थित है, होने के बाद, होने के पहले नहीं करना है। और तो बच्चे पास होना होंगे, नहीं ध्यान रखो, पढ़ाओ, सब ट्यूशन लगाओ, जो भी करना है सब कुछ करो, फिर जो परिणाम आया आने के बाद वो व्यवस्थित। लेकिन व्यवस्थित का मतलब उस परिणाम को आपने स्वीकार किया और भविष्य में ये परिणाम न आए उसकी तैयारी में लग जाते हैं, समझ में आया। तो ये व्यवस्थित है फिर भी आपको वो सही नहीं लगता है, सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
समझ में आया? तो हम बुद्धि लड़ाते हैं, दिमाग लड़ाते बोलते हैं ना, तो वो उसका कारण वो सूक्ष्मतर दोष है। और वो जो होता है उसके कारण जो आपको भुगतान आता है वो आपके कर्म का फल है। भुगतान आया ना आपको, आपकी बुद्धि ने सब बताया सब गलत है, वो सब बात सही है, लेकिन उसका परिणाम आपको जो भुगतना पड़ा वो आपका हिसाब है। अभी सूक्ष्मतम दोष, सूक्ष्मतम दोष वो अहंकार का दोष है। अहंकार का दोष यानी क्या है? अहंकार शुद्धात्मा का प्रतिनिधि है, अहंकार शुद्धात्मा का प्रतिनिधि है। अब जैसे वो अहंकार क्या बोलते हैं मिटता जाता है, अहंकार मिटता जाता है, तो वही अहंकार परमात्मा है। अहंकार में गलत भाग निकल गया तो वो खुद परमात्मा ही है। समझ में आया? क्योंकि वो बहुत सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतम सटलेस्ट बोलते हैं। तो वहाँ तक इसीलिए कहा कि आप स्थूल से शुरू करो, आचरण और वाणी के दोष और सूक्ष्म यानी मन के दोष वो हमें बड़े आसानी से समझ में आते हैं। फिर वो आगे जैसे वो चलेंगे ना, बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, उसको पार करते जाओगे तो सूक्ष्मतर बुद्धि का समझ में आएगा, और फिर बुद्धि का समझ में आएगा तो फिर अहंकार का भी समझ में आएगा। ख्याल में आया? ये सब बाकी है। इसीलिए हमारी मूर्ति जो है ना, ये मूर्ति भगवत गुण वाली नहीं है अभी, जो वर्धमान स्वामी की हो गई थी इसीलिए उनके अंदर महावीर भगवान के दर्शन होते थे लोगों, वरना अरूपी भगवान के दर्शन रूपी शरीर में कैसे होंगे? वो रूपी शरीर में भगवत गुण प्रकट होंगे तो लोग भगवान कहे बगैर छोड़ेंगे नहीं, और वो जानते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, ये यानी ये भगवान नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? गृहस्थी के लिए हर रोज का काम होता है ना, सुबह में ही आपको पता चलता है ये करने का, ये करने का, ये करने, सारे दिन में ये करने का है, ये चार लोग खाने के लिए आने वाले तो उनके लिए ये करने का है, वो सब आपकी गिनती में होता है। उसी तरह से ये स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, अभी स्थूल और सूक्ष्म का ध्यान रखने का है, क्योंकि वो लोगों को दिखाई देता है, लोगों को सुनाई देता है। तो जो आँखों से दिखाई दे और कानों को सुनाई देना, वो गलती हमारे में से निकल जानी चाहिए, वो हमें कोई पकड़ नहीं पाया ना, ऐसा हो जाना चाहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उसका मतलब क्या है? हमारी किसी की उपस्थिति में या किसी की अनुपस्थिति में, उसका एक परिणाम दादा भगवान ने दिया था कि उनको एक परिणाम मिला था। शिवरात्रि थी और बहुत भांग पिला दी। अभी भांग पिलाएंगी तो किसी को भी चढ़ेगी, वो तो दादा को भी चढ़ गई थी। और उस वक्त सत्संग हुआ था और वो सत्संग रिकॉर्ड किया गया था, और सत्संग में दादा के कोई ऐसे शब्द नहीं निकले, आवाज थोड़ी ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन कोई गलत बात नहीं निकली थी। अभी तो कैसा है, किसी ने पिला दिया कैसा कर दिया ना, तो सब सही सही बातें निकलती है। ख्याल में आया? क्योंकि वो अंदर है और दादा ने वो सबको क्या बोला, प्रतिक्रमण करके शुद्ध कर दिया था, इसीलिए वो स्थिति में भी उनकी वाणी और सत्संग बिल्कुल वो भान में है ना, ऐसा निकला था। वो क्या बोलते, साबित करता है कि वाणी किसी के हाथ में नहीं है और उन्होंने अपनी वाणी को इतना शुद्ध किया था, प्रमाण प्रमाणित हुई। समझ में आया? अब ये काम है तो अभी तो वैसा बोला जाता है 24 घंटे और 7 दिन कम पड़ते हैं, नहीं पड़ेंगे। घर का काम तो एक ख़त्म किए तो पीछे पीछे दूसरा है ही, वो ख़त्म किए तो पीछे तीसरा है ही, वो ख़त्म किए पीछे है ही, बराबर है। लेकिन आप करते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, उसी तरह से जैसे वो काम का निपटारा करते जाते हो, इसीलिए उसी तरह से हमारे दोष का, ये जो लोग मिलते हैं ना, कर्म का परिणाम है यानी दोष का परिणाम है यानी अज्ञानता का परिणाम है। लोग सुख दे जाते हैं या दुख दे जाते हैं, और आज ज़्यादा करके दुख ज़्यादा देते हैं।
वो हम समझते हैं, हम भी दूसरों को दुख ज़्यादा देते हैं सुख कम देते हैं, ऐसा नहीं होता है। और वो भी किसी ने हमको सुख दिया ना तो हम सोच सोच के गिनती करके देते हैं, अगर उन्होंने दुख दिया ना तो फॉरगेट इट, भूल जाओ, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी छूटना है कि मेरे ही कर्म का परिणाम मेरे, यानी पूजा का ही कर्म का परिणाम, इसलिए आपको पूजा को गाइड करना है कि वो तो अपने दिमाग से कुछ भी बोलेगी, उनकी बुद्धि जैसी है ना वो ऐसा काम करेगी, लेकिन आपको हस्तक्षेप करना है। गलत, जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, वो बाहर से सीख के आया और वो कुछ भी घर पर आकर बोलता है, बेटा ऐसा नहीं बोलते, वो बाहर से वो गलत सिखाते हैं, तो हम उसको समझाते हैं और फिर वो भी समझ जाते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर वो नहीं बोलेगा। एक उदाहरण देता हूँ कि छोटे थे तो घर में, वो तभी सिलाई मशीन सबके घर पर होती नहीं थी, हमारे घर पर थी तो मम्मी किसी ना किसी का वो सी के देते थे, कुछ फट गया कुछ उखड़ गया तो हमारे दूसरे मंजिले पर एक आंटी रहते थे, मम्मी ने कहा जाओ उनको दे के आओ, तो मैंने कहा, दरवाज़ा खड़खड़ाया, आंटी मम्मी ने तुमको दिया है, तो आंटी बोले बेटे आपसे बड़े होते ना उसको तुम करके नहीं बोलते, आप करके बोलते, चले गया। तो मेरे मुझे सीखने में आ गया कि आप हमसे बड़े होते हैं ना तुमको आप करके बोलना है। फिर मैं कॉलेज में आ गया और वो आंटी तो मेरे से उतनी बड़े हो गए ना, वो रास्ते में आ रहे थे, मैंने कहा आंटी कैसे हो आप, आंटी कहते मुझे आंटी नहीं कहने का, मुझे सिर्फ रेखा बहन कहो, अभी वो तो मेरे दिमाग में बैठा ही नहीं, फिर समझ में आया उनके बड़े होने से मैं भी बड़ा हो गया, वो तो मेरे लिए आंटी रहे ना, लेकिन वो मुझे बोलते हैं कि आप आंटी नहीं कहने का, रेखा बहन करके बोलो, ये परेशानी है। लेकिन बात समझना है कि कैसे हम अपने आप को सुधारते रहते हैं, उसी तरह से सुधारते रहना है। और फिर ये मूर्ति ऐसे पत्थर रखा है, पत्थर को कोई बुझेगा, लेकिन वही पत्थर की मूर्ति बना के रखा है बाजू में महावीर भगवान की, तो लोग पूजेंगे कि नहीं, बोलिए ना, बोलते नहीं है, यहाँ ऐसा करके बोलते हैं, बोलो अच्छी मूर्ति करके रखेंगे तो जय करते हैं ना यहाँ, क्योंकि जय करने नहीं जाते, तो उसी जगह पे एक पत्थर रख दिया है तो लोग बोलेंगे पत्थर क्यों रखा है, बोलेंगे कि नहीं, और वो पत्थर को कोई ऐसा देख के पूजेंगे भी नहीं। उसी तरह से ये पत्थर पत्थर ही है, ये पत्थर मूर्ति समान हो गया तो लोग पूजेंगे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये अहंकार से पत्थर जैसा हो गया है अक्कड़, तो उसमें से हमें मूर्ति बनाना है, ये इसीलिए आज्ञा दी है कि आज्ञा से ये जो व्यवहार करेगा उस व्यवहार की गलतियाँ स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम हमें समझ में आता जाएगा और आप उसको सुधारते जाओगे। जैसे वो मूर्ति बनाते हैं ना, जैसे मूर्ति बनाते बनाते एकदम परफेक्ट मूर्ति बन गई, अरे क्या मूर्ति है, हम जो है ना हमारे ये जो एक अस्तित्व है ना हमारा, वो ही हमारे भीतर का आईना है कि हम भीतर कैसे हैं, और वो धीमे धीमे करके ऐसा होता है जैसे महावीर भगवान में वर्धमान स्वामी ऐसे हो गए, ख्याल में आया। तो ये जो बताया है आप हर दिन हर वक्त ऐसे ही बैठने वाले हो, लेकिन उनको तो ऐसा बताया है जब भी देखो तब ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो मेरा भांजा छोटा था ना तो कहा सुमंदर स्वामी ऐसा बैठे क्यों रहते, वो थक नहीं जाते, और फिर तो कहते वो खुली आँख से क्या देखते रहते हैं, देख वो क्या सोचते रहते, ऐसा बताया पूछा था। अच्छा ये क्या बताते हैं, ये मुद्रा है, मुद्रा का मतलब वो आपकी भीतर की स्थिति व्यक्त करती है, क्रिया
सभी प्रकार के क्रिया से मुक्त हो गए हैं। यानी हाथ पैर वो क्रिया का साधन है, वो क्रिया अभी से मुक्त हो गए, अभी वो क्रिया करने वाले नहीं रहे, क्रिया होती है लेकिन करने वाले नहीं रहे जी। और बोले देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्या देखते रहते हैं, जैसे हम दो दृष्टि से देखते हैं ना, व्यवहार दृष्टि से पूजा, निश्चय दृष्टि से सुधार, व्यवहार दृष्टि से सुनीता जी ने, व्यवहार दृष्टि से जेठानी। सुनीता जी तो हम मान लिए, आपके लिए तो वो जेठानी संबंध है ना, वो संबंध से देखना है। और जेठानी यानी बड़े हैं ना आपसे, तो बड़े के साथ ऐसे बड़े जैसे रहना चाहिए। और जहाँ हम ऐसा नहीं रहते हैं तो गलत है, समझ में आया। तो इस तरह से आप अपने आप को सुधारते जाते हैं। तो ये इस तरह से अभी हम भी ऐसा ही देखेंगे कि ज्ञान मिला ना, तीसरी आँख खुल गई है, ये तीसरी आँख ज्ञान चक्षु है। तो ज्ञान से आप सब कुछ देखेंगे। ज्ञान से क्या दिखाई देता है, बाहर है ना वो मशीन है, और अंदर जीवन साक्षात हाजिर भगवान है। भगवान प्रकाश स्वरूप होते हैं, उनके पास ज्ञान का गुण है, ज्ञान का प्रकाश है और दर्शन का प्रकाश है, समझ में आए। और वो प्रकाश अंदर हमारा खुल गया है, वो प्रकाश में हम अभी पूजा को देखते हैं, यानी आप मैं शुद्धात्मा करके बोलते हो ना, तो अंदर आप जागृत हो गए हैं, प्रज्ञा शक्ति का प्रकाश खुल गया है, वो शुद्धात्मा का कार्यकारी प्रकाश है। और वो पूजा मैं इनको प्रकाशित करती है, पूजा क्या करती है वो आपको दिखाती है, तो आपको पता चल, क्योंकि वो तो मशीन है, किसी ने बनाकर भेज दिया है इधर, यानी कर्म करके भेज दिया है, आगे का काम आपको करना है, आपको यानी पूजा को नहीं करना है। आपको अंतरात्मा में बैठकर इसीलिए ज्ञान मिला तो आप शुद्धात्मा हुए, लेकिन शुद्धात्मा का काम केवल नहीं रहा, दो काम रहा। शुद्धात्मा होने से आप पूजा जी को देखेंगे, क्योंकि आप शुद्धात्मा हुए, और ये निश्चय दृष्टि से और व्यवहार दृष्टि से पूजा जी में जो भी कमी है ना, उसको आपको रिपेयर करता रहना है, समझ में आया। आप जेठानी जी को बिल्कुल बहुत प्यारी जेठानी जी, ये पुजारी को ठीक करो ना। मैं क्यों ठीक करूँ, मैंने थोड़ी बनाया है, मैं सुनीता जी को ठीक करूँ या आपको ठीक करूँ, वो आपका काम है, समझ में आया। कोई नहीं करेगा, आपके घर वाले हैं ना, वो भी नहीं करेंगे, उनको बोले थोड़ा कर दो ना, सॉरी ये काम मेरा नहीं है। बाहर का काम होगा, जो सब्जी लाना है, जो कुछ लाना है करके वो पैसा लेके आऊँगा मैं, लेकिन ये काम मेरा नहीं है, इसलिए वो हमारा ही काम है, समझ में आया। इसको ठीक करना है, क्या बड़ी बात है, कोई जल्दी नहीं है। बच्चे रातों रात बड़े हो जाते तो अच्छा है। आप बोलते कोई मम्मी पापा ऐसा बोलते नहीं है, मैं बोला आपकी झंझट खत्म हो जाए, वो उसको ध्यान रखने का है, देखने का है, क्या क्या करने का है। नहीं नहीं वो अपने आप धीमे धीमे बड़े होते वही अच्छा है। मैंने पूछा था एक मम्मी को, आपको इसके पीछे लगे रहना पड़ता है, अच्छा सोचो ना कि कल वो बड़ा हो जाए तो आपको शांति हो जाए। नहीं 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 वो अपने आप बड़ा होता वही अच्छा है, ऐसा है। तो ये काम भी हमारा काम हो रहा है कि नहीं, बस उतना ही देखना है। ऐसा बोलते हैं ना, काम चालू है करके बोलते हैं ना, जो काम चालू है ना वो काम खत्म होगा, लेकिन काम में रुकावट आ गई वहाँ आपको जागृत हो जाना है, और वो काम को किसी भी तरह धक्का मिले इसीलिए सत्संग में आना है। सत्संग में आने से आपका अंदर का काम जो है वो चालू रहेगा। जैसे कि ये आपका ससुराल है, आप मैके जाके बैठ गए तो आपका पत्नी जन्म पूरा होगा, क्या सोचते हो, आपका पत्नी धर्म मैं क्या रहकर पूरा होगा? वो वहाँ का काम निपटा के मम्मी मैं जा रही हूँ, अरे दो तीन दिन रुक जाओ ना, अरे वहाँ सब काम कर पड़ा है, बच्चे भी वहाँ है, मुझे जाना पड़ेगा, समझ में आए। उसी तरह से अभी ये सत्संग का भाव में होगा कि सत्संग क्यों जाना है, क्योंकि मेरे अंदर का काम मुझे ही करना है और कोई नहीं करेगा। तो वो ऐसे स्थगित हो जाता है जब अगर वो विधि नहीं पढ़ते हैं,
वो कुछ नहीं करते हैं, प्रतिक्रमण नहीं करते हैं। ये पूजा जी है ना, मशीन 24 घंटे चलता ही रहता है और जो जो अंदर मसाला पड़ा है ना वो बाहर आता ही रहता है। अभी हमें जागृत रहना, इनके ये फैक्ट्री है, वो ड्रिंक बनाते हैं ना, आखिर में एक आदमी को बिठा दिया है देखते रहने का, वो बॉटल गिर के तो उसको ठीक करता है, कुछ खराब है तो उसको निकाल देता है। अगर वो चला गया तो क्या होगा? वो जो बिगड़ा हुआ भाग है ना वो बाहर जाएगा ना, लोग गालियां देंगे, समझ में आए? अभी वही भाग सतत ये खाली होता जाता है हमारे नामदारी का, और हम जागृत रह के उसको देखते रहना है, और जहाँ कुछ गलत होता है बदल दो। ये प्रतिक्रमण करते हैं, निकालते हैं, समझ में आया, गिर गई तो उसको ठीक कर देते हैं, यही काम करना है। वो व्यवहार दृष्टि का काम है, निश्चय दृष्टि से देखी हुई व्यवहार की गलती को निश्चय दृष्टि से, प्रज्ञा शक्ति से व्यवहार की गलती को, यानी पूजा जी की गलती को व्यवहार दृष्टि से करेक्ट करना है, सुधारना है। ये व्यवहार दृष्टि का काम सुधारना है, इसीलिए व्यवहार दृष्टि कभी गलत देखती नहीं, समझ में आया? व्यवहार दृष्टि सही देखती है और उसको सुधार लेती है, यही काम है। वो क्या बड़ा काम है? और क्रिया का काम है ना, तो क्रिया का काम में तो टाइम लगता है। ये घर बनाया कितना साल लगा था? घर बनाया था कितना साल लगा? रेडीमेड बराबर है, लेकिन ये बंगला बना था तो दो डेढ़ साल दो साल लगता है ना। अब इतने बड़े रातों रात हो गए, ये बात समझना है। तो उसको जो टाइम लगता है ना तो वो लगेगा, लेकिन ये देखने जाने का काम है ना, वो ये सारा काम है ना, सारा काम एक घंटे में पूरा होता है, हो सकता है, लेकिन हमारी इतनी क्षमता नहीं है, हमारी इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन वो एक घंटे का काम करने के लिए हम उसके पीछे लगे रहना पड़ता है, और आखिर का एक घंटा आके रहता है जो हो जाता है, और फिर वो कायम ही रहता है। समझ में आया? जरा आगे की बात बता दी। हम जो देखने बैठे हैं, पूजा जी की गलती देखने बैठे, तो देखते देखते मामा देखना रुक गया, फिर ये काम आया देखना रुक गया, वो कुछ काम आया देखना रुक गया। इसीलिए वो चालू होता है देखने का, फिर से वो टूट जाता है, वो टूट जाता है ना, तो फिर से वो क्लॉक रीसेट हो जाता है और फिर से वन से शुरू होता है, फिर से छूट जाता है, फिर से वो वन से शुरू होता है। ऐसे करते 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 48 मिनट हो गए ना, फिर वो नहीं रुकेगा, फिर वो अविरत रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो मेहनत करनी है ना, ये मेहनत कर रहे हैं, उसका बोझा नहीं है। बच्चे को बड़ा करने का बोझा है, ऐसा है ना? आपको सभी का सॉल्यूशन पता है ना, कि अगर बच्चा ऐसा करता तो ये करने का, बच्चा वैसा करता तो ये करने का, वैसा करना तो ये करने का है, तो आपको कभी वो बोझा नहीं लगेगा। लेकिन वो आपको व्यस्त रखेगा, उसी तरह से आप व्यस्त रहेंगे पूजा जी को सुधारने में, उसका बोझा नहीं लगेगा। बोझा क्यों नहीं लगेगा? पूजा जी आप नहीं हो, व्यस्त क्यों रहते हैं? क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको इनको ठीक करना है। बोझा भी नहीं है और व्यस्त भी रहते हो और अपनी मस्ती में भी रहते हो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, समझ में आया? इसीलिए महावीर भगवान को जो 12.5 साल लगे थे ना, तो उनको नहीं लगा अरे 12.5 साल में क्या करूं, ऐसा हुआ होगा उनको? नहीं, वो तो अपने उपयोग में ही रहे, अभिनत उपयोग में रहे, और वो आखिर का 12.5 साल में वो एक घंटा आया और बात खत्म हो गई, केवल ज्ञान। अब वो हमारा काम हो रहा है, अभी से हमारा ये काम हो रहा है। जो उन्होंने गृहस्थी छोड़कर दीक्षा ली थी ना, आप गृहस्थी में रहकर वो काम आपका शुरू हुआ है। बोलो,
इसीलिए महावीर भगवान जैसे घूमते हैं ये घरेलू कपड़े में, लोग माने न माने आपको क्या है, समझ में आया? राहुल जी क्या सोच रहे हो आप? हाँ दुकान में चले गए, दुकान में चले गए ना, कस्टमर आ गए, समझ में आया? हमें ये भूमिका में बिठाया, ये हमारा काम है, बिल्कुल बोझा नहीं और बिल्कुल व्यस्त रहते हैं, थकते नहीं है, थकावट तो पता ही नहीं होता है, क्या थकावट चीज क्या होती है। और जितना हम आत्मा के उपयोग में रहते हैं, शुद्धात्मा के उपयोग में रहेंगे, शरीर कितना भी चाहे काम करेगा ना, थकावट नहीं आएगी, क्योंकि शरीर, शरीर की शक्ति कितनी है पता है? शरीर की शारीरिक शक्ति अनंत है, अनंत यानी जिसका अंत नहीं होता। इसीलिए ये वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है कि हमारी जो शारीरिक शक्ति है ना, उसका 0.2% भी हम कुछ इस्तेमाल नहीं करते, और हम बोलते थक गए। अरे किया क्या आपने, थक गए? मन से थक जाते हैं, मन थक जाता है, और अगर मन का समाधान हो जाता है तो शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। ख्याल में आया? आप सोचो कि जब आप दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, यानी आप परेशान होते हैं, तो थोड़ा भी काम आपको बोझा जैसा लगता है, और अगर आप प्रसन्नता पूर्ण है और कुछ बड़ा काम आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इतना बड़ा काम इतने टाइम में ख़त्म कर देते हैं, और जब परेशान होते हैं इतना काम इतना टाइम लगाते हैं वो ख़त्म नहीं होता है। बात समझना है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मैं अनंत अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ, अनंत गुणाकार हूँ, अनंत, समझ में आया? अनंत मल्टीप्लाई बाय अनंत, वो हमारी शक्ति है, शुद्धात्मा की शक्ति है, और शरीर अनंत शक्ति वाला है। अभी हमें परेशान किया है, परेशानी क्या है? बिल्कुल नहीं है। बात को समझना है और शक्तियों को चैनलाइज करना है, उपयोग करना है। बोलो, समझ में आया? ये काम है। पूजा जी के दो बच्चे ना, वो पूजा जी संभालेंगे, और पूजा जी कैसे संभालते वो आपको पता चलता है। अगर पूजा जी जल्दबाजी करेंगे तो आप उनको बराबर समझाएंगे, जल्दबाजी करने से बच्चे ठीक नहीं होने वाले, जल्दबाजी मत करो। जैसे आपको टाइम लगता है तो उनको भी टाइम लगता है, लेकिन धीरज को जाने मत दो। धीरज चली जाएगी ना तो आप जल्दबाजी करेंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और गलत होने से बच्चों बच्चे टूट जाएंगे। हमें वो मूर्ति को, पत्थर को तोड़ना नहीं है, जल्दबाजी करेंगे तो पत्थर ही टूट जाएगा, फिर मूर्ति कैसे बनेगी? पत्थर टूटे नहीं और अच्छी मूर्ति बनती जाए तो धीमे धीमे करने का, ये बात है, कोई बोझा नहीं। व्यवस्थित आम का मोक्ष नहीं होता है ना, तब तक वो सब संभाल लेगी, उतना सामान हमारे पास है। हमें तो क्या करना है पता है, जो चाहिए ना वो सामान्य प्रयत्न करके ले आना है, लेकिन अगर उसका लोभ हो जाता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए करके करना क्या है आपको, समझ में आया? क्या बताया है उदाहरण कि हमारे पास शक्ति जो है ना, वो सारे जीवन अच्छे से काम करे ऐसी हमारी शक्ति है। आखिर जब बुढ़ापा नहीं वो गुजर जाए ना, तब भी वो सब पांच इंद्रियां शरीर सब ठीक रहेगा, लेकिन अभी तो 40-50 साल में ये खराब हो जाते हैं, चल नहीं पाते, मोटापा हो जाता है, क्या 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 नहीं होता है। उसका मतलब क्या है कि आपने ये शरीर का दुरुपयोग किया है, आपके कषाय को पोषने के लिए, समझ में आया? बहुत अच्छा लगता है, ये स्वाद आ गया तो खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, वो
गाड़ी में 55 लीटर का टैंक होता है तो 55 लीटर ही डाल सकते हैं ना, तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन वो फिक्स है कि पेट है ना बड़ा होता जाता है और फिर दबाव आता है और वो दबाव के कारण फिर बाहर की मशीनरी बंद हो जाती है, बैठे बैठे ही छूट जाते हैं। हाँ बोलो। इसीलिए इसको अच्छे से रखना हमारा काम, जल्दबाजी नहीं करना है। और एक अच्छी बात क्या बताइए, पता है ऐसा बोला कि भगवान विचरते थे ना, लंबा नहीं देखते थे, ऐसा करके इतना ही देखते थे, 8 से 10 फुट बस। क्यों 8 से 10 फुट देखने का मतलब क्या है कि मुझे अभी यहाँ रहना है और यहाँ की परिस्थिति को समझ के जीना है। ख्याल में आया? मैं अभी से सोचता हूँ 50 साल के बाद या 25 साल के बाद, 25 साल की गारंटी है कि आप रहने वाले कि नहीं, तो अभी उसका टेंशन क्यों करने का है। फिर भी ये लोग बताते हैं तो अपने ढंग से करने का, लेकिन दिमाग में क्या रखना है वो बात समझ लेना। अभी मुझे ध्यान रखना है। अगर आप आज आपके पास जो लक्ष्मी है उसका ढंग से उपयोग करेंगे, ज़रूरत को समझ के, तो लंबे समय तक चलेगी, बताया है। और फिर ऐसा बताया है जो लक्ष्मी करंसी के क्या बोले माध्यम वाली है, हार्ड करंसी, बोले उसकी उसका आयुष्य 11 साल है। फिर जो पैसे आपने धंधे में डाले तो उसका आयुष्य 25 साल है। जो पैसे आपने सोने में जेवरात में डाले तो उसका 75 साल का आयुष्य है, और जो पैसा ज़मीन में डाले उसका 100 साल का आयुष्य है। समझ में आया? तो हमारी लक्ष्मी का हमें इस तरह से बंटवारा करके रखना है कि जितनी लक्ष्मी हो सब अभी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी जितनी चाहिए 11, 12, 15 साल के लिए चाहिए, तो उतने पैसे को आप करेंसी में रखो। वो धंधे वाला है, वो धंधे वाला आपको पैसा देता रहेगा, तो ये जो 11 साल में उसकी आवश्यक आयु खत्म हो जाएगी तो वो भरता जाएगा। समझ में आया? तो वह वो रहेगा ही रहेगा। फिर उसका जब उसका भी आवश्यक होता है तो धंधा बैठ जाएगा, फिर आपको धंधा बदलना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं तो ये धंधा अब तक चलता था लेकिन अब ये नहीं चलता। अब प्लास्टिक का इतना जमाना आ गया, लोहे का कोई उपयोग ही नहीं करता है, लोहे के धंधे वाले परेशान हो गए। एक बात बताता हूँ उस तरह से, तो इसका भी हमें मार्गदर्शन दादा ने दिया है। अब बोलिए, समझ में आया? आपने प्रश्न पूछा, मैं ही बोलता रहा और समय हो गया। जरा नाश्ता तो करते हो ना आप, अच्छा सा जरा जोर से बोलो ना। हाँ बोलिए, समोसरण में समय। हाँ तो वो क्या बताते हैं, जो भगवान ने कहा ना वही वो करते थे, और वही हमें जो महावीर भगवान करते थे वही हमें मिला है, ये बात बताना है। आप शुद्धात्मा में देखते वही, शुद्धात्मा दृष्टि से देखते वही, वही हमारा सामायिक। हाँ 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 हाँ, बस वही करना है ना। हाँ वही तो बात, हाँ वही तो बात बताई ना, वो स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम क्या बताया है वही। हाँ वही तो है,
देखने का कारण ही यही है कि जो गलतियां हैं उसको देखो, प्रतिक्रमण करो। हाँ, शुद्धात्मा दृष्टि से देखने से हमें हमारी सही गलती समझ में आती है और उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। शुद्धात्मा देखने का नहीं है, शुद्धात्मा की दृष्टि में देखने का, प्रकाश में देखने का कि ये सूर्य जी क्या उल्टा सीधा करते हैं। वो तो उल्टा सीधा करते नहीं ना, वो जो उल्टा सीधा करते हैं तो उसको सुधारते रहना है, अब वो सुधारते सुधारते ठीक हो जाएंगे। ऐसा है नहीं, 24 घंटे करने की होती है, एक घंटे का काम नहीं है। एक घंटा काम करके आप सो जाओ ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए एक घंटे में काम नहीं होगा, 24 घंटे का ही काम है। ऐसा है ना, ये पानी की टंकी है ना, उसका नल खुला है, 24 घंटा वो नल खुला है, यानी 24 घंटे वो कर्म खाली होते रहते हैं। अगर आप एक घंटा ही देखेंगे तो बाकी का 23 घंटे का क्या होगा, समझ में आया? फिर भी वो एक घंटे के देखने के पीछे का कारण क्या है कि जो हम चूक गए हैं उसको याद करके हम दोहराते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हमें 24 घंटे रहना है, और ये भूमिका जो बताई कि करना है सामायिक, वो तो एक औपचारिक प्रयोग है, जो प्रयोग में हम जो चूक गए हैं उसको दोहरा कर उसको ठीक करते हैं। ऐसा है ये बात। जय सच्चिदानंद। बुलाइए कीर्तन रूपये। दादा भगवान नाम जय जयकार हो, दादा भगवान नाम जय जयकार हो, दादा भगवान नाम जय जयकार हो, दादा भगवान नाम जय जयकार, दादा भगवान नासिम जय जयकार हो, 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 दादा भगवान नासिम
जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय 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 जयकार हो जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।